बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। आए के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्क्षिण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुध। आए बैठी जागृत बुध, साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस तरह से श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में राज्य विराजमान होकर के तारतम का अवतरण होता है। अब कैसे ब्रह्म सृष्टियों की खोज के लिए चर्चा का दौर चलता है, किस तरह से गांगजी भाई तारतम ग्रहण करते हैं, कैसे आड़ी का लीलाएं होती है, विभिन्न प्रकार की आड़ी का लीलाओं का वर्णन सुना। साथ में हमने ये भी सुना कि कैसे श्री मिहिर राज जी के घर तक, गांगजी भाई के घर में होने वाली आड़ी का लीला, चमत्कारी लीलाओं की खबर पहुंचती है, और फिर किस तरह से गोवर्धन जी चर्चा सुनने पहुंचते हैं, कैसे मिहिर राज जी के मन में भी 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन की अवस्था में देवचंद्र जी के चरणों में जाने की इच्छा होती है। और उसी संदर्भ में हमने ये भी सुना कि बालकों की परवरिश कैसे की जाती है, बच्चों का हृदय किस तरह से कैसे बना होता है, और उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें हमने सुनी और अंतिम में सुना कि किस तरह से श्री मिहिर राज जी ने आकर के सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और तारतम ज्ञान ग्रहण किया। अब आगे श्री महामती जी लालदास जी कह रहे हैं कि एकांत में, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है, नीति का कथन है योजनाएं, आप किसी भी चीज की बनाए बड़े कार्य की तो वो योजनाएं तुरंत सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। हाँ, जो विशेष उस योजना में शामिल व्यक्ति हैं उनको अवश्य बताना चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि आपकी योजनाएं भंग हो सकती है। श्री देवचंद्र जी ने श्री मिहिर राज जी को एकांत स्थान में बैठा करके, बुला करके समझाया कि शकुंडल और सकुमार की जागनी करनी है, और जैसे उनके लक्षण हैं, उनकी परात्म में जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे लक्षण, कि मूल स्वरूप उनके हंसत है, वो खेल में है अपनी जात, कि परात्म उनके मुस्कुरा रहे हैं। और ये किस तरफ संकेत दे रही है ये बातें, ये लक्षण, कि जैसे एक शिशु है, बालक है, जो बोल नहीं सकता है, अभी 2-3 महीने का है या फिर साल भर का है, जब वो सोता है, गहरी नींद में है, तो आपने देखा होगा कि वो बच्चा मुस्कुरा रहा होता है नींद में। क्यों मुस्कुराता है? अगर वो ऐसा सपना देख लेता है जिसमें उसे खुशी मिल रही है, कोई उसके साथ में मस्ती कर रहा है, तो वो सपने में हंसता है, और उसका ये चेहरा भी, इस तन का भी मुस्कुराता है। डरावना सपना देखने पर वो चौंक जाता है, कोई दुखद सपना देखने पर वो रोने लगता है, नींद में ही रो रहा होता है वो। इसी तरह से चेहरा जो है वो हृदय का दर्पण होता है, और ब्रह्म सृष्टियों का हृदय राज्य के हृदय में इस खेल को देख रहा है। अब वो जो सुरता यहाँ पर आई हुई है, यहाँ जैसा जैसा देख रही है, उसका प्रभाव वहाँ मूल तन पे दिख रहा है। तो ये एक लाक्षणिक रूप में
कह दिया गया कि ये जो शकुंडल और सकुमार के परातम है वहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, और इससे ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े परिवार में, और उन्होंने संकेत किया कि राज परिवार में, राज घराने में वे दो तन आए हैं। और आगे जब हम बीतक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वे दो तन कहाँ पर आए थे। और ये कह दिया गया कि ये जो दो तन हैं इनकी जब जागनी होगी तो इनके माध्यम से, अर्थात शकुंडल और शाकुमार के माध्यम से जागनी बहुत तीव्र गति से होगी, तो उनको जगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह से एकांत में श्री देवचंद्र जी ने श्री मिहिराज जी को समझाया, और उसी समय ये भी संकेत दिया मिहिरराज जी को कि देखो कतेब पक्ष में भी हमारी ही बातें लिखी हुई है, और वहाँ एक खोजीबाई नाम की स्त्री आती थी जो विधवा भी थी और मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थी, मुस्लिम थी, लेकिन जब वो श्री देवचंद्र जी के पास आई, उनसे चर्चा सुनी, वहाँ हो रही आड़ी का लीला को देखा, तो श्री देवचंद्र जी ने भी उनके अंदर की ब्रह्म सृष्टि को पहचाना और कहा कि इनमें रई बाई की वासना है। तो इसका मतलब ये कि ब्रह्म सृष्टियाँ उनमें भी है, ऐसा कह करके संकेत किया और कहा कि उनके ग्रंथों में भी हमारी ही पहचान लिखी है, लेकिन ये जो जाहिरी मुसलमान है वो हमें पढ़ने नहीं देते। आज वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन उस समय, जब आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व का समय है, तो उस समय ये कट्टरता थी तो पढ़ने नहीं देते थे। श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आगे ये सारी बातें इसीलिए कह रहा हूँ, कहते हैं कि तुम्हारे आगे कहत हूँ या के वास्ते सब ये बात तुमसे होएगी भविष्य में, कि लीला आगे होए, जब भविष्य में जब लीला होगी तो ये सारी जागनी की लीला अब तुम्हारे द्वारा होनी है, तुम्हारे ऊपर ये विशेष जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ। अब इसी तरह से परमधाम की कई लीलाओं के विषय में उन्होंने इशारों में, संकेत में कहा, और वह सारी बातें मिहिरराज जी सुन करके ग्रहण करते जा रहे हैं। परमधाम की लीलाओं का बीज वो मिहिरराज जी के हृदय में, अथवा इंद्रावती जी के हृदय धाम में डालते गए, मिहिरराज जी उनको ग्रहण करते गए। अब इस तरह से जो विशेष बातें हैं जागनी से संबंधित वो श्री देवचंद्र जी मिहिरराज जी को ही बताते हैं, बाकी चर्चा तो सब लोग सुनते हैं। तो इस तरह से प्रतिदिन मिहिरराज जी अपने भाई के साथ में, गोवर्धन जी के साथ में चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। कह रहे हैं घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, जाते भी साथ में हैं आते भी साथ में हैं, और बांध्यो चित्त अति हेत सो दो नाते की बात। उनका हृदय, मिहिरराज जी और गोवर्धन जी का हृदय आपस में बहुत ही प्रेम से बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो संबंध है, नाता मतलब संबंध, और दो संबंध कौन सा, कि एक तो लौकिक संबंध है भाई भाई वाला, और दूसरा संबंध ये कि परमधाम के संबंध की पहचान हुई है कि ये भी परमधाम की आत्मा है, अन्यथा सोचिए कि पांच भाई है ना, सबके साथ वैसा लगाव क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप की पहचान नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, इसमें बहुत ही गहरा भाव छिपा हुआ है कि वास्तविक जो प्रेम होता है वो आत्मा के साथ होता है, शरीर के साथ आकर्षण हो सकता है, लगाव होता है, लेकिन प्रेम किसके साथ होता है, आत्मा के साथ। उपनिषद में वर्णन आता है कि याज्ञवल्क से मैत्रेयी पूछती हैं कि इस संसार में जानने योग्य पदार्थ क्या है, किसकी खोज करनी चाहिए, किसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो याज्ञवल्क ने कहा कि देखो तुम्हारा मुझसे जो प्रेम है, कहा तो जीव के भाव से लेकिन आत्मा से आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुझसे जो प्रेम है वो आत्मा के होने के कारण है, चेतना के होने के कारण, क्योंकि अगर प्रेम शरीर के कारण होता तो जब ये चेतना निकल जाती है तो हम क्या करते हैं,
जिस शरीर के साथ में हमारा लगाव होता है, वाणी में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है, कलश की वाणी में भी, किरणतन के अंदर भी यह दृष्टांत दिया जाता है कि जीवित रहते हुए जिस तन को घर वाले इतना प्रेम कर रहे होते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे ये मेरे पति हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये माता है, इस तरह से अनेक संबंधों के आधार पर जो एक लगाव होता है। और फिर वाणी में एक दृष्टांत दिया है कि कांटा चुभने पर भी होता क्या है, जैसे किसी एक व्यक्ति को कांटा चुभता है, वो चिल्लाता है, अरे माँ कहता है, तो माता को उस बात से तकलीफ होती है, पत्नी को तकलीफ होती है कि मेरे पति को कांटा चुभ गया, पति को तकलीफ होती है कि पत्नी को कांटा चुभ गया। कांटा चुभना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उससे दूसरे को तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही उस शरीर से चेतना निकल जाती है, जीव और आत्माएं निकल जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसी शरीर को जलाते हैं। वो भी कैसे जलाते हैं, शमशान घाट में ले जा करके जब जलाते हैं ना, तो एक लंबा सा बांस होता है और उस बांस से पलट पलट करके जलाया जाता है कि कहीं कुछ रह न जाए। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो नहीं है जिसके कारण हम उससे लगाव रख रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग शरीर को देख करके आकर्षित होते हैं कि देखने में गोरा है, देखने में साफ है, अथवा देखने में बलिष्ठ शरीर है इसका। पुरुष इसी तरह से स्त्री के शरीर को देख करके कि सुंदर है, आवाज अच्छी है, चाल ढाल अच्छी है, देखने में अच्छी है, ये सोच करके वो आकर्षित होता है। लेकिन यदि वो आकर्षण चेतना के प्रति न हो तो वो लंबे समय तक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है या किसी से भी जुड़ता है, तो वो तीन तरह से जुड़ता है, तीन कारणों से जुड़ता है। एक जुड़ता है अभाव के कारण, दूसरा जुड़ता है प्रभाव के कारण, और तीसरा जुड़ता है स्वभाव के कारण। तीन चीज़ें हैं, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। अभाव से जुड़ने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक लड़का है 16-17 साल का, किशोरावस्था में टीनेज जिसको कहते हैं, घर पे अगर उसको बात बात पर डांट पड़ती होगी तो उसका लगाव बाहर के किसी के साथ में हो जाता है, या तो वो मित्र होंगे या फिर किसी लड़की के साथ में उसका लगाव होता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो वो गलत संगति में भी फंस सकता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे प्रेम करने वाले लोगों का अभाव है, तो अभाव की वजह से इस तरह से लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं कि मान लीजिए कि आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति कमज़ोर है, आपने उसको धन की मदद कर दी, सहायता कर दी, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा कि मेरे अभाव के समय में इस व्यक्ति ने मेरी ज़रूरत को, मेरी आवश्यकता को पूरा किया है। तो कुछ लोग ऐसे अभाव के कारण जुड़ते हैं। प्रभाव से कैसे जुड़ते हैं कि आपका जो व्यवहार है किसी भी तरह का, उस व्यवहार से वो प्रभावित हो जाते हैं देख करके। कुछ लोग शरीर को देख करके प्रभावित होते हैं, कुछ लोग बोलचाल को देख करके प्रभावित होते हैं, कुछ आवाज़ को देख करके प्रभावित होते हैं। तो ये हो गए प्रभाव से जुड़ने वाले। और स्वभाव से जुड़ने वाले व्यक्ति का मतलब, जैसे आकर्षण हो गया, प्रभाव हो गया, वो बाहर देख करके होता है, लेकिन स्वभाव का मतलब अपना भाव जो अंदर से वो कैसे जगता है कि आपने कुछ दिन तक साथ में रह करके देखा तो पता चला कि इनका आचरण भले ही देखने में शारीरिक दृष्टिकोण से ये कैसे भी हो, लेकिन इनका जो आचरण है वो बहुत अच्छा है, इनका हृदय बहुत साफ है, ऐसा देख करके जो जुड़ता है वो हो गया स्वभाव से जुड़ना। अब जो व्यक्ति अभाव से जुड़ता है वो अभाव के पूरा होने के बाद में बदल जाता है, जो व्यक्ति प्रभाव से जुड़ता है तो हमेशा किसी भी व्यक्ति का प्रभाव एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन हृदय तो हमेशा, चेतना हमेशा एक जैसी रहने वाली है। तो इसलिए याज्ञवल्क जी ने जवाब दिया मैत्रेयी को कि आत्मा ही एकमात्र
ऐसा पदार्थ है जो जानने योग्य है, जिसके विषय में सुनना चाहिए, जिसके विषय में पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उसी के विषय, उसी को जानने से ही हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर भी प्रसंग चल रहा है दो नाते की बात। सुंदर साथ में जैसे आप जितने भी हैं, घर में समस्याएं किसके नहीं होती है, सबके होती है ना, लेकिन कोई परिवार कब प्रसन्न रहता है, जब वो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से लगाव ना हो, वो लगाव आत्मिक भाव से हो। क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से लगाव हुआ तो ज़रूरत कभी भी इंसान की कोई पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़रूरत कुछ समय के बाद में तृष्णा बन जाती है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य की ज़रूरत कितनी है जीवित रहने के लिए, भोजन, कपड़ा और आवास, मतलब रहने की जगह, वो कैसी भी हो सकती है। वो एक झोपड़ी में भी इंसान चाहे तो रह सकता है, एक बंगले में भी रह सकता है, एक हवेली में भी रह सकता है ना। तो ज़रूरत इंसान की बढ़ती जाती है, कभी भी पूरी नहीं होती है। इस तरह से जो स्वार्थ के आधार पर कोई भी संबंध टिका होता है तो कभी भी वो प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति कभी भी नहीं होती है। आज ये ज़रूरत पूरी हो गई तो कल कोई और ख्वाहिश जग जाती है, इच्छा जग जाती है। तो इसलिए जो संबंध आत्मिक भाव से है, जो संबंध हृदय के साथ जुड़े हुए हैं, वही संबंध आपस में प्रेमपूर्वक रहते हैं। तो यहाँ मिहिरराज जी और गोवर्धन जी का जो आपसी संबंध है वो दोनों है, एक लौकिक रूप से भाई का भी संबंध है और अलौकिक रूप से परमधाम का भी संबंध की पहचान हो गई है कि इनके अंदर भी परमधाम की आत्मा है और मेरे अंदर भी परमधाम की आत्मा है। तो दोनों एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं आत्म जागृति के लिए, लौकिक इच्छा के लिए नहीं। यहाँ क्या होता है समाज में विशेष रूप से, कि जैसे आपका कोई भी बच्चा होगा, विशेष रूप से उन सुंदर साथ के लिए जिनके बच्चे अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वो अगर अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो किसके लिए बढ़ेंगे, किसके लिए, अपने लिए। आपको काम नहीं आने वाला है। हाँ, यदि आप उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ लौकिक भाव से देखते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा, क्योंकि ज्ञानपीठ में रहता हूँ मैं, विद्यार्थियों के बीच में भी रहता हूँ, सुंदर साथ के बीच में भी रहता हूँ, तो बातें चलती रहती है ना। तो किसी सुंदर साथ को लगता है कि यहाँ पे तो जैसे मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे में ये प्रतिभा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छी चर्चा कर लेता है, मेरा बच्चा इस तरह से ध्यान करता है, मेरा बच्चा सेवा करता है, ऐसे किसी भी सुंदर साथ के मन में रहता है तो ये लौकिक भाव हो गया ना कि मेरा बच्चा। क्योंकि हम आत्मिक भाव से देखें तो सभी सुंदर साथ हमें एक समान लगेंगे, तब हमें ये नहीं लगेगा कि ये मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, मेरे बच्चे की इज्जत होनी चाहिए, दूसरे बच्चे ऐसा नहीं है। तो दोनों नाते की पहचान जब हम करेंगे, क्योंकि ये तो अभी तो उनकी आत्म जागृति की अवस्था का पहला चरण है, इसलिए दोनों में सिर्फ लगाव है इस तरह से दोनों नाते की। अन्यथा कुछ समय के बाद में आपको दिखेगा कि उद्धव ठाकुर की भी जागृति हो जाती है, सांवल्या ठाकुर की भी जागृति हो जाती है। अब जागृत होने के बाद तो ऐसा नहीं रहता है ना, आत्मिक स्वरूप की पहचान होने के बाद, क्योंकि तब वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, अभी तो वाणी अवतरित है, हमें पता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। उस समय अभी क्योंकि बालक हैं मिहिरराज जी, 12-13 वर्ष की अवस्था है उनकी, और उस समय में जितनी चर्चा सुनते थे बस उतना ही था, बाकी कोई सिखापन देने वाला अलग से नहीं था। लेकिन आज हमें करना क्या चाहिए कि हमें सबको आत्म दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में यदि आपके कोख से कोई जन्म ले रहा है तो वो आपका बच्चा है, उसके वो आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करें और दूसरे जो बच्चे हैं या दूसरे जो सुंदर साथ हैं उनके प्रति हम ध्यान न दें, ये आत्मभाव नहीं है। आत्मभाव हमारे अंदर सबके लिए होना चाहिए। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है कि सुंदर साथ में ये भी देखने को मिलता है कि घर में जो 5-7 लोगों का परिवार है, उसके अलावा बाहर के जो सुंदर साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन घर में जो सुंदर साथ हैं उनके साथ
घर में भी तो सुंदर साथी है ना, बाहर के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो एक कहावत कही जाती है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो जो दूर के लोग हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, घर के सुंदर साथ के साथ हम यदि गलत व्यवहार करें तो वो भी गलत है। हमारा व्यवहार सबके लिए समानता का होना चाहिए, लेकिन समानता का अर्थ फिर कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। समानता का अर्थ क्या कैसे समझना चाहिए कि जो ज़रूरतें हैं या जो आवश्यकताएं हैं वो सबकी समान रूप से पूरी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ज्ञानपीठ में 30 विद्यार्थी रहते हैं, अब एक विद्यार्थी जो शारीरिक रूप से ज़्यादा परिश्रम करता होगा, गौशाला की सेवा देखता होगा, खेती की सेवा भी देखता होगा, उसको भूख ज़्यादा लगेगी तो वो 7-8 रोटी भी खा सकता है। और कोई एक विद्यार्थी है जिसको सिर्फ पढ़ने का काम है तो उसको ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो उसको 3-4 रोटी दी जाती है। अगर तो आप अगर ये कहें कि बच्चों के साथ में पक्षपात हो रहा है, ये पक्षपात नहीं है, ये समानता है कि जिसकी भूख जितनी है भूख के आधार पर भोजन दिया जा रहा है। क्योंकि एक गुरु के अगर 10 शिष्य होंगे तो 10 के 10 शिष्य समान रूप से किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते ना, सबकी अवस्था अलग अलग होती है। तो व्यवहार हमें समान रखना चाहिए कि सबको समान रूप से, सबकी आवश्यकताएं समान रूप से पूरी हो, सबको समान व्यवहार किया जाए और सबको समान अवसर मिले। अवसर सबको समान देना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें आत्मिक संबंध की पहचान करनी है, वो राज्य के साथ भी और सुंदर साथ के साथ भी। अब दोनों भाई चर्चा सुन करके आ रहे हैं। एक दिन क्या हो गया चर्चा के सुन करके वापसी के क्रम में कि बड़े भाई उनके स्नान कर रहे थे, तो जब दोनों भाई पहुंचे खुले में स्नान कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि कहिया तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान, कि घर के काम काज से तुम अनजान बने हो, तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो। और कैसे बिगड़े, सो सोहबत गांगजी से और गुरु सोहबत, गांगजी भाई और उनके गुरु, मतलब तुम्हारे जो गुरु हैं श्री देवचंद्र जी के लिए कह रहे हैं कि उनकी संगति से तुम दोनों बिगड़ चुके हो, दोनों को निकालें शहर से तब तुम सुधरो, इत हम दोनों को पिताजी से कह करके शहर से निकाल देंगे तब तुम दोनों सुधरोगे। अब इसमें क्या है कि बिगड़ने और सुधरने की परिभाषा लोगों की अपने अपने हिसाब से होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होगा वो दूसरे को भी उसी चश्मे से उसी नज़र से देखता है। एक साधु होगा, एक वैरागी होगा, उसको गृहस्थी व्यक्ति जो माया के काम में फंसा होगा वो कैसा लगेगा, ये बिगड़ा हुआ है। अच्छा जो गृहस्थी होगा वो साधु के लिए क्या सोचता है कि काम धाम करना ना पड़े इस वजह से ये साधु बने हैं फोकट का खाने के लिए। तो एक साधु की नज़र में गृहस्थी बिगड़ा हुआ है, गृहस्थी की नज़र में एक साधु बिगड़ा हुआ है। एक जो भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है उसकी उसके लिए विषय वासना में फंसा हुआ मनुष्य बिगड़ा है, और जो विषय वासना में फंसा हुआ मनुष्य है वो भक्ति में लगे हुए मनुष्य को सोचता है कि ये तो पागल है। वाणी कहती है ना, मैं कहूँ दुनिया भई बावरी, ओ कहे बावरा मोहे। अब एक मेरे कहे कौन पतिजे, ये बहुत झूठे क्यों होए। महामती जी कहते हैं कि मैं दुनिया को पागल कहता हूँ कि रे हो दुनिया बावरी खोबत जन्म गवार, और दुनिया मुझे पागल समझती है। तो बिगड़ने की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। और होता क्या है, चाणक्य ने कहा न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम स तस्य निंदा सततम करोति, यथा किराती करी कुंभ जाता मुक्तान परित्यज्य विभर्ति गुंजान। जैसे जो व्यक्ति किसी के गुणों को नहीं जानता है तो वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी बुराई करता है। कैसे, जैसे एक जंगली व्यक्ति होता है जंगल में रहने वाला, उसको गजमुक्ता मोती की कीमत का पता नहीं है, मोती की कीमत तो काफ़ी होती है, तो उसको जब उस मोती की कीमत का पता ही नहीं तो वो क्या करता है कि जैसे कोई हाथी है तो
हाथी को ना वो कौड़ी होती है ना, कौड़ी पता है ना, कौड़ी तो देखी होगी आपने, तो कौड़ियों की माला पहनाई जाती है। और जब वो हाथी मर जाता है वृद्ध होकर के, अगर उसके पास गजमुक्ता मोती है ना, क्योंकि वो जंगली व्यक्ति उस मोती की पहचान नहीं कर पाता, तो वो उसको तो वो छोड़ देता है। लेकिन जो कौड़ी है उसको उसने बचपन से देख रखा है, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत सुंदर चीज़ है, वो उसको ग्रहण करता है। हालांकि श्रेष्ठ कौन है? मोती। इसी तरह से जो व्यक्ति जिसकी कीमत को नहीं समझता है वो उसकी निंदा करता है। अब इन दोनों भाइयों के सामने बड़े भाई ने कह दिया कि मैं पिताजी से कह करके दोनों को शहर से बाहर निकाल दूंगा। अब जब अपने ऊपर बात आ रही थी कि तुम लोग बिगड़े हुए हो, तब तक तो उन्होंने सहन किया, लेकिन जब अपने सद्गुरु के ऊपर बात आई, वो भी ऐसे सद्गुरु जिनकी पहचान वो कर चुके हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और मारने के लिए दौड़ाया दोनों भाइयों ने मिल करके। नीति का कथन है, धर्मग्रंथ क्या सिखाते हैं गुरु के विषय में श्रद्धा के लिए, मैं अंधश्रद्धा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कि जिससे आप कुछ सीख ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो कहते हैं कि गुरुर यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततो अन्यतः। जहाँ पर आपके गुरु की निंदा हो रही है या कोई व्यक्ति आपके गुरु से विवाद कर रहा है, तो वहाँ या तो आप विरोध कीजिए या तो आप कान बंद करके खड़े रहिए अगर उठ करके जाने की अवस्था नहीं है, या फिर आप वहाँ से चले जाइए। इसके पीछे कारण क्या है? अंधश्रद्धा नहीं सिखा रहा है ये श्लोक, ये बहुत ही गहरा एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है, स्कूल में जब आप पढ़ने के लिए जाते होंगे या पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना। एक शिक्षक ऐसा है जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, या अवगुण तो है लेकिन विद्यार्थी को पता नहीं है, तो वो शिक्षक कोई बात कहता है तो विद्यार्थी उसको गंभीरता से सुनता है और उसको अमल में लाता है। और एक टीचर ऐसा हो, मान लीजिए कि सिगरेट पीता हो, विद्यार्थी ने देख लिया हो और विद्यार्थी ने आपस में आकर के बात किया कि ये वाले जो टीचर हैं वो तो सिगरेट पीते हैं, अब क्या होगा? उस शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थियों के मन में जो इज्जत है वो कम हो जाएगी और विद्यार्थी उस शिक्षक की बात नहीं सुनेगा। तो इसीलिए उपनिषद में ऋषियों ने कहा, स्पष्ट कर दिया कि देखो अवगुण हमारे अंदर भी होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि, जो हमारे अच्छे आचरण है आप उसी की नकल करना, जो हमारे अन्य आचरण है उसकी आप नकल मत करना, जो हम अच्छा सिखाते हैं वो करना, जो हम करते हैं वो मत करना, जो हम कहते हैं वो करना, ये अच्छे गुरु का लक्षण है। अब यहाँ तो सद्गुरु के ऊपर बात आई तो वो दोनों बात कैसे सुन सकते थे? एक तो राज परिवार से अंदर शाही खून है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो जीव भाव से शरीर भाव से भी वो एक भाव है, और दूसरा एक ही स्वरूप की पहचान है, तो दोनों मिल करके भाई को मारने के लिए दौड़े। अब माता ने जैसे तैसे करके बचाया। शाम के समय में पिताजी आए तो पिताजी को कहा, माता धनबाई ने केशव ठाकुर को, कि आप दिन भर तो राज्य के लोगों की, मतलब जामनगर के लोगों के जितने भी परेशानी है उनका समाधान करते रहे, तो झगड़े मिटाते रहते हो, लेकिन आज घर में झगड़ा हुआ है तो आप समाधान कीजिए। फिर सारी बात उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो पिताजी ने सोचा कि अब पिता को तो बीच का रास्ता निकालना होता है ना, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है, देखने में लगता है कि ये काम आसान है, लेकिन सोचिए कि पांच बच्चे हैं, पांच में से चलिए दो उधर हैं एक इधर है, बाकी दोनों का इस प्रसंग से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर ये कह दें कि बड़ा भाई सही है तो दो भाई नाराज हों, अगर ये कहें कि ये दोनों सच हैं तुम्हारी गलती, तो बड़ा भाई नाराज हो। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि दोनों बेटों को, गोवर्धन जी और मिहिरराज जी को, कि देखिए आपके जो गुरुदेव हैं श्रीदेवचंद्र जी, उन्होंने जिनसे भागवत सुनी
इसका मतलब गुरु के भी गुरु हैं, तो आप ना उनके वहाँ चर्चा सुनने के लिए जाइए। अब इससे क्या हुआ कि एक जो मेल ईगो होता है ना, अहंकार, क्योंकि बड़े भाई के अंदर क्या अहंकार था कि मैंने इनको मना किया है कि मैं देवचंद्र जी के वहाँ नहीं जाने दूंगा, तो वो भी शांत होता, बड़ा भाई भी शांत हो जाते, और दोनों भाइयों को किस चीज़ से लेना देना था, धर्म चर्चा से। ये केशव ठाकुर अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अंदर क्या है। तो ये सोच करके उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। दोनों भाइयों ने कहा कि पिताजी, हमारे अंदर हमारे पास कुछ प्रश्न है, यदि हमारे प्रश्नों का समाधान कांजी भट्ट जी ने कर दिया तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ चर्चा सुनने जाएंगे। तो ठाकुर जी ने सोचा, केशव ठाकुर जी ने, कि ये तो बच्चे हैं, इनके गुरु के भी वो गुरु हैं, और ये मतलब छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ समय से सत्संग में जाना शुरू किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही प्रश्न कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब पिताजी लेकर के गए भट्ट जी के पास और कहा कि हमारे लड़के कुछ पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। तो भट्ट जी ने कहा ठीक है, पूछिए। तो दोनों भाइयों ने प्रश्न पूछा कि भट्ट जी, ये बताइए कि गुण कितने हैं, लोक कितने हैं, तत्व कितने हैं और प्रलय कितने हैं। भट्ट जी ने कहा, तीन गुणते चौथो गुण नहीं, तीन गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, पांचते छठो न तत्व, पांच तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 14 लोक हैं, उसके अलावा कोई 15वां लोक ही नहीं है। 14 लोक सबको पता ही होगा, है ना, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, मोहरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक, ये ऊपर के हो गए, नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 14 लोक कहे जाते हैं भागवत के आधार पर, पुराणों के आधार पर। और उसके अलावा चौथा प्रश्न था कि चार प्रलय हैं, पांचवा कोई प्रलय नहीं है। कहते हैं तीन गुणते चौथो गुण नहीं, पांचते छठो न तत्व, 14ते लोक नहीं 15वो, और चार प्रलय हैं सत, चार प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक और महाप्रलय, ये चार प्रलय हैं। अब ये तो प्रश्न, फिर उत्तर। अब प्रश्न के साथ में एक प्रति प्रश्न आता है, आजकल की भाषा में काउंटर क्वेश्चन कहते हैं। तब जैसे ही जवाब दिया तो उन्होंने तर्क किया कि भट्ट जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से चार प्रलय हैं, तो महाप्रलय में भागवत के अंदर ये लिखा है कि तीन गुण, पांच तत्व और 14 लोक के ब्रह्मांड का नाश होता है, तब परब्रह्म का जो स्वरूप है वो कहाँ रहता है। तो भट्ट जी ने कहा कि क्षीर सागर में अक्षयवट नाम, अक्षयवट का एक वृक्ष है, वट मतलब बरगद, और उसमें अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र मतलब ये जो अंगूठा है ना, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके वो रहता है, ऐसा कहा। अब अंगुष्ठ मात्र रूप एक संकेत है संकेत किस चीज का, कि जैसे हमारा हृदय है, हृदय को ऐसे कहते हैं ना, मुट्ठी के बराबर आकृति है, ऐसा कहा जाता है हार्ट जो है, तो उसमें जो जगह है अंगूठे के बराबर का, ये सिर्फ संकेत किया है, आलंकारिक वर्णन है कि परमात्मा हमारे हृदय में, ये ब्लड पंप करने वाले हृदय में नहीं, जो सूक्ष्म हृदय है, अंतःकरण है उसमें, अन्यथा लोग ऑपरेशन करके देख लेते कि अच्छा परमात्मा ऐसा दिखता है, तो इस हार्ट की बात नहीं हो रही है। अब भाइयों ने फिर सवाल किया कि आप फिर बताइए कि क्षीर सागर कहाँ है, फिर बोले पाताल में। फिर कह रहे हैं पहले ही कहा आपने कि पाताल का तो नाश होता है क्योंकि पाताल 14 लोक के अंदर आता है। तब कह रहे हैं श्री लालदास जी कह रहे हैं, तब भट्ट की सुध बुध गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से न होए। अभी कल परसों की चर्चा में भी मैंने कहा था कि भागवत के कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि बिना तारतम्य ज्ञान के कोई समाधान दे ही नहीं सकता। अब भट्ट जी जो इतने वर्षों से चर्चा करते आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का समाधान तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। अब पिताजी ने कहा कि इसका मतलब श्री देवचंद्र जी के पास कोई दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, तुम्हारे चित्त आवे करो सोए, कि आपके मन में अब जैसा है वैसा कीजिए, आपको जहाँ जा कर के चर्चा सुननी है वहाँ जा कर के सुनिए। इस तरह से नौतनपुरी में अब दोनों भाई मिलकर के चर्चा सुनने लग गए, और ये कब तक चर्चा सुन रहे हैं, जब तक मिहिर राज जी की उम्र 24 वर्ष की नहीं हो जाती है। कुल 24 वर्ष
10 महीना और 5 दिन दिन भी बताया है। 24 वर्ष 10 महीना और 5 दिन की जब तक मिहिर राज्य की अवस्था होती है तब तक मिहिर राज्य और गोवर्धन जी साथ साथ में रहते हैं। और फिर आगे क्या होता है, गोवर्धन जी का धाम गमन हो जाता है। अब अगला जो प्रकरण है इसमें वैसे तो संपूर्ण बीतक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, किसी भी प्रसंग को मैं छोटा बड़ा नहीं कहता, लेकिन जहाँ जिस प्रसंग की बात है वो प्रसंग अपने आप में सबसे बड़ा है। जैसे इंद्रावती जी सागर श्रृंगार की वाणी में राज्य के स्वरूप का वर्णन करती हैं, तो जिस अंग का वर्णन करती हैं कहती हैं कि मैं उसी पर गलतान हो रही हूँ, गलित गात हो रही हूँ, मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही है। ये हर अंग के विषय में है, इसका मतलब हर अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी तरह से वाणी और बीतक के प्रसंग भी कुछ ऐसे ही हैं, और ये प्रसंग आज के हिसाब से हमारे लिए, हमारी आत्मजागृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकरण की पहली चौपाई है जिसमें कहा कि 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं रमे बीच कौसर होज। 13 वर्ष तक, 13 वर्ष मतलब कल ही हमने कहा, अरे अभी थोड़ी देर पहले, कि 24 वर्ष और 10 महीने की अवस्था होने तक तब तक गोवर्धन जी के साथ में रहे, तो 12 वर्ष 2 महीना की अवस्था में गए थे और 24 वर्ष 10 महीना का मतलब कितना हुआ आगे, मतलब कुल मिलाकर के 12 वर्ष पूरे और ऊपर 8 महीना और कुछ दिन, तो लगभग 13 वर्ष ऐसा। अब क्योंकि चौपाई के छंद में लिखना है उसमें वो अलग से लिखते कि 13 वर्ष नहीं 12 वर्ष 8 महीना कुछ दिन तक ऊपर लौकिक बोझ, तो छंद नहीं बनता, इसलिए एक वो कहते ना राउंड फिगर में 13 वर्ष की गणना लिखी कि लगभग 13 वर्ष तक मिहिर राज्य के ऊपर लौकिक बोझ था। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन सा लौकिक बोझ, माया का कौन सा काम करते थे, क्योंकि अगले ही चरण में कहा कि श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कौसर होज, राज्य की तरफ रहते हैं, परमधाम के अनेक पक्षियों में हौज कौसर में उनकी सुरता विचरण करती है श्री देवचंद्र जी की चर्चा के माध्यम से। अब फिर लौकिक बोझ कौन सा हुआ, फिर माया का कौन सा काम कर रहे हैं, तो जितने सुंदर साथ बीतक पढ़ते आए होंगे, क्योंकि सुनने वाले तो भूल जाते हैं, पिछली बार सुने होंगे अब भूल गए, जो सुंदर साथ बीच बीच में बीतक पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ये कौन से प्रसंग में बात की जा रही है। लेकिन लौकिक बोझ से तात्पर्य क्या है और उसमें गहरा रहस्य क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। पहले ये समझें कि लौकिक बोझ किसको कहा है। मिहिर राज्य कोई माया का काम नहीं करते थे, बस इतना था कि जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले की चर्चा में भी सुना था कि तब बाल विवाह का प्रचलन था, तो कम उम्र में ही मिहिर राज्य का विवाह हो चुका था फूलबाई जी के साथ में, ये पहला। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं गोवर्धन जी के साथ में भले ही आत्मिक भाव से लगाव था लेकिन फिर भी लगाव था। अब यहाँ लौकिक बोझ कहने का तात्पर्य क्या है उस चीज़ को, कि वैसे तो मिहिर राज्य के अंदर कोई भी बंधन नहीं था, न फूलबाई जी के प्रति कोई मायावी संबंध था, कोई वैकारिक संबंध था, और न ही गोवर्धन जी के साथ में कोई सांसारिक संबंध था कि ये मेरा भाई, ऐसा नहीं, क्योंकि भाई तो और भी थे। लेकिन फिर भी उसको लौकिक बोझ का इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, और वो रहस्य क्या है, आपको कह दिया जाए, जितने भी सुंदर साथ हैं यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोग पहली बार चर्चा सुन रहे होंगे उनको ये बात ज़्यादा गहराई से समझ में नहीं आएगी, हाँ भविष्य में इस चर्चा को दोहरा करके कुछ समय के बाद सुनेंगे तो समझ में आए, लेकिन आप में से जितने लोग पहले चर्चा सुन चुके हैं, तारतम ग्रहण कर चुके हैं, राज्य की पहचान है, आपको कह दिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो राज्य को पाना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए तो एक बार, 1, 2, 3, 4, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करने में भी आलस्य कर रहे हैं, है ना, चले सब चाहते हैं, इसका मतलब यह है, तो राज्य को पाना सब चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई बाधा है ना, किसी न किसी प्रकार की बाधा है। अब चलिए हाथ तो सबने उठा दिया, कुछ लोग औपचारिकतावश उठा रहे हैं कि हम, चलिए चाहते तो हैं
लेकिन सब लोगों की चाहत अलग अलग तरह की होती है, चाहत का स्तर अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो सरसावा से यहाँ तक 2 किलोमीटर दौड़ लगाते हुए आया है, उसको प्यास लगेगी। एक व्यक्ति ऐसा है जो बस बिल्डिंग से उठकर यहाँ तक आया है, गर्मी है इस वजह से थोड़ी पानी पीने की इच्छा है। दोनों की प्यास में फ़र्क है ना, पानी के लिए दोनों के अंदर जो तड़प है उसमें फ़र्क है। इसी तरह से हम सब सुंदर साथ के अंदर भी तड़प का फ़र्क है। राज्य सामने आ जाए अपने आप, बिना हमारे एफर्ट किए, बिना हमारे प्रयास किए, तो हम इनकार नहीं करेंगे कि राज्य हमारे सामने मत आइए, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन पाने के लिए अगर हमें पता चले कि ऐसा करने से राज्य मिलते हैं, अब सवाल दूसरा, पहले जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था मुझे पता है, अब मैं सवाल करूं आपसे, कर रहा हूं, कि अगर मैं आपको उपाय बताऊं कि सुंदर साथ जी एक उपाय है मेरे पास, जो मैं बताऊं और वैसा आप करेंगे तो राज्य मिलेंगे, अब आप बताइए कि वो उपाय करने के लिए कितने लोग तैयार हैं। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी के लिए हाथ इसमें भी सब खड़ा कर रहे हैं। अब उपाय मैं बता रहा हूँ इस चौपाई के माध्यम से, उसके बाद पता चलेगा कि कौन करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबको लग रहा होगा कि आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है, वो सिर्फ सोच के ऊपर है कि हम किसी चीज़ को आसान मान रहे हैं कि मुश्किल मान रहे हैं। राज्य को पाने का एकमात्र उपाय है राज्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। एकनिष्ठ प्रेम का मतलब, राज्य से जो हम प्रेम करते हैं तो राज्य के प्रेम और हमारी आत्मा के बीच में और कोई भी संबंध ना आए। मतलब पहला नंबर हम किसको दें, राज्य को। दूसरे तीसरे नंबर पर जो कुछ भी है कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहला स्थान हम जब राज्य को देंगे तो हम राज्य को पा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तो और भी और कठोर मार्ग बताया, वैसे कठोर नहीं है लेकिन कठोर हमें क्यों लग रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको कह दिया जाए कि राज्य अभी, वैसे ये संभव नहीं है सैद्धांतिक दृष्टि से, लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। आपको कह दिया जाए, सब अपने अपने हिसाब से लेना, कि राज्य आकर के कहें कि मैं सिर्फ तुम्हें अकेले को परम धाम लेकर के जाना चाहता हूं, तैयार होंगे? डॉक्टर साहब की याद नहीं आएगी सच में? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले भी कहा कि आत्म जागृति के पथ पर हम हमेशा अकेले होते हैं। राज्य साथ में है लेकिन लौकिक दृष्टि से कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, आपको सुझाव दे सकता है लेकिन करना स्वयं ही है। हमारी कमी क्या है, हम तो पाठ भी दूसरों से पढ़वाते हैं, चितवनी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो करते ही नहीं है, हम पाठ भी दूसरों से पढ़वाते हैं कि हमारे लिए पाठ रखवा दीजिए। ये क्या होता है, मैंने कुछ पढ़ा, आपको कुछ मिला उसमें से, मेरे खाने से आपका पेट भर जाएगा, मैं अपना फ़ोन चार्ज में लगूँ आपका, आपके फ़ोन की बैटरी फुल हो जाएगी, नहीं। तो आत्म जागृति की राह पर हमेशा हमें स्वयं ही कार्य करना होता है। दूसरा व्यक्ति जो सद्गुरु हैं वो भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो धक्का नहीं लगा सकते उस रास्ते पर चलने के लिए, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, तो अकेले ही चलना होता है। अब यहाँ सोचिए कि राज्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के बीच में गुणवंती बाई गोवर्धन जी की आत्मा बाधा नहीं बन रही थी, कभी गोवर्धन जी ने ये नहीं रोका होगा, या नहीं रोका, मैं होगा भी नहीं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरे 100% निश्चितता के साथ में कि गोवर्धन जी ने कभी नहीं रोका कि मिहिराज आज तुम चर्चा सुनने मत जाओ, आज चितवनी मत करो, कभी नहीं रोका। न फूलबाई जी ने रोका होगा, किसी ने नहीं रोका, लेकिन फिर भी इनके साथ कहीं ना कहीं एक लगाव था ना, मिहिराज जी का लगाव था, भले ही लौकिक हिसाब से नहीं था लेकिन राज्य के साथ तो प्रेम था ही, लेकिन साथ में इनके प्रति भी था, तो इसलिए उसको भी क्या कहा गया कि ये भी लौकिक बोझ है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम भी अपनी आत्म जागृति चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हम इंद्रावती की उस अवस्था में पहुँचे जिस अवस्था में उन्होंने राज्य को अपने हृदय में बसा लिया था, कौन नहीं चाहेगा।
सब चाहेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हर तरह के लौकिक बोझ से हमें ऊपर उठना होगा। इसमें कोई बहुत कठोर काम नहीं है। हाँ, जितने समय तक हम राज्य की चितवनी में बैठें, मान लीजिए 1 घंटे के लिए समय देते हैं, 2 घंटे के लिए समय देते हैं, उस समय राज्य के अलावा और कोई ना आए। पता चल रहा है कि हम आराम से उठ रहे हैं 6 बजे 8 बजे, उसके बाद में औपचारिकता के लिए, क्योंकि सुन रखा है चितवनी से राज्य मिलते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इस पर भी निर्भर करता है कि आप उस चितवनी के लिए प्रयास कितना कर रहे हैं। जैसे आपका पेट भरा हुआ है और तब आप किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन दे रहे हैं, ये भी दान हुआ। और एक ये है कि आपके पास 2 ही रोटी है और आप भी कल शाम से आपने कुछ नहीं खाया है, भूख लग रही है, लेकिन सामने कोई व्यक्ति मांगने के लिए आया, आपने अपने हिस्से की रोटी उसको दे दी, दोनों दान हुए। दोनों में फर्क कौन सा है? आप कौन से दान को श्रेष्ठ मानोगे? स्वयं भूखे हैं फिर भी दे रहे हैं ना। इसी तरह से आराम से नींद पूरी करके उठ रहे हैं, सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं और समय मिल रहा है तो कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब तो क्या है कि हम अवसर निकाल रहे हैं, हम समय निकाल रहे हैं, वो हुआ ना। जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि समाज में रहने सबका पता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसका किसी के साथ में प्रेम संबंध है, अफेयर है। अब वो तो अपने तरफ से एफर्ट कर रही है, प्रयास कर रही है कि अब उसको अपने प्रेमी से बात करना है ना। तो वो क्या करती है कि अब मान लीजिए कि पढ़ाई की व्यस्तता है या जॉब है, तो वो क्या करती है कि थोड़ा जल्दी उठ जाती है और जल्दी उठ करके सारे काम निपटाती है। उसके बाद में समय बचा लेती है कि इस समय में मुझे बात करना है। एक तो वो उसका प्रेम है, और दूसरा क्या है, लड़का क्या करता है, जब भी फ़ोन करे तो लड़का कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, समय होगा तो बात करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कभी बात नहीं करता, वो कभी कभी बात कर लेता है, लेकिन कब बात करता है, जब उसके पास समय होता है। और लड़की क्या करती है, समय निकाल के बात करती है। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि दोनों में से प्रेम किसका है, जो समय निकाल रहा है, क्योंकि प्रेम में चाहिए त्याग समर्पण। तो यहाँ हमारे लिए जो चितवनी की राह है, सेवा की राह है, वाणी मंथन की राह है, वो भी वैसे ही है। समर्पण तब कहा जाएगा जब हम निकाल रहे हैं समय। ठीक है, तो लौकिक बोझ से ऊपर उठने का तात्पर्य यह है कि जब हम चितवनी कर रहे हैं तो बहुत सारे सुंदर सा, जैसे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है ना, अभी तो बीतक चल रहे इसलिए हमने प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम बीतक भर के लिए बंद कर रखा है। अन्यथा सभी सुंदर साथ की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि प्रत्येक शनिवार को हम शाम के 6 से 7:30 बजे तक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जूम मीटिंग के माध्यम से करते हैं। जो सुंदर साथ जुड़ नहीं पाते वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो उसमें कई सुंदर साथ प्रश्न पूछते हैं और स्वामी जी का जवाब हमेशा एक ही तरह का रहता है, क्योंकि प्रश्न भी एक ही जैसा है कि हमारे घर में लोग बात करते रहते हैं तो हम शाम को ध्यान नहीं कर पाते, सुबह फिर इसके लिए खाना बनाना होता है, वो ये करना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, या फिर बच्चे सुबह सुबह आवाज़ कर रहते हैं तब हम ध्यान नहीं कर पाते। तब स्वामी जी कहते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ा या तो जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए, या शाम को जब सब लोग सो जाएं तब उठ करके चितवनी करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो वही हुआ ना। तो लौकिक बोझ का मतलब ये है कि संसार के जितने भी लोग हैं वो किसी भी तरह से, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो गया, हमें तो उतना भी करने की अभी आवश्यकता नहीं है, उतने एक्सट्रीम लेवल में पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब हम चितवनी कर रहे हैं तो जितने भी लौकिक संबंध है, आप बाकी समय में वो जो 2 घंटा है राज्य के लिए निकाल रहे हैं, उसके अलावा 22 घंटे में आप पूरा समय दीजिए माया को, परिवार को दीजिए, लेकिन जो 2 घंटा आप राज्य के लिए दे रहे हैं तो वो क्वालिटी टाइम सिर्फ राज्य के लिए हो। उस समय ना कुकर की सीटी आपको डिस्टर्ब करे, ना बच्चों की जो चैचें हैं वो आपको डिस्टर्ब करे। अब उसके लिए क्या करना होगा, ज़रूरत पड़ने पर या तो रात को सब लोग सो जाएं तो 1 घंटा बैठिए, और सुबह सब लोगों के जगने से पहले उठिए। क्योंकि अब ये चीज़ें पता थी कि भविष्य में ऐसी परेशानी आ सकती है, तो कुरान में ना एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है इस संदर्भ में, और अच्छी बातें जहाँ मिले वहाँ से हमें ले लेना चाहिए। तो कुरान में एक प्रसंग आता है कि
मोहम्मद साहब सो रहे थे रात के समय में चद्दर ओढ़ करके, तो जिब्रील आता है, जिब्रील मतलब परमात्मा के जोश की शक्ति, और वो मोहम्मद साहब को उठाता है और कहता है कि ए चादर ओढ़े हुए मोहम्मद, तू आधी रात के कुछ बाद से लेकर के आधी रात के मतलब रात के ख़त्म होने से कुछ पहले तक, मतलब आधी रात के कुछ पहले से लेकर के आधी रात के कुछ बाद तक मेरी इबादत कर, मतलब लगभग 11 बजे से लेकर के 2-3 बजे के बीच में तू मेरी इबादत कर, भक्ति कर, ध्यान कर। इसका मतलब क्या, इस समय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, गाड़ियाँ भी लगभग लगभग शहर में रहने वाले लोग होंगे तब लगभग गाड़ियाँ भी कम हो जाती है, और विशेष रूप से अगर आप भाव से बैठे होंगे ना ध्यान करने के लिए तो आपको किसी भी चीज़ की आवाज़ से आपको परेशानी नहीं होगी। मैं अभी चुप हो गया, वो पंखा टिक 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 कर रहा है ना, लेकिन मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप भाव से सुन रहे हैं तो वो टिक टिक अब सुनाई नहीं पड़ रही है ना। तो मन का काम क्या है कि अगर टिक टिक की तरफ ध्यान देंगे तो वो सुनाई पड़ेगा, और राज जी इतने प्यार से जो आवाज़ लगा रहे हैं कैसे, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ, अथवा हक को काम और कछु नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत, ऐसे अनेक प्रकरण हैं, अनेक चौपाई हैं जिसमें राज जी अपने तरफ से, ये तो टिक टिक है राज जी तो सुर में बुला रहे हैं हमें, तो हम उनकी आवाज़ सुनेंगे तो ये टिक टिक की आवाज़ अपने आप ही चली जाएगी। तो जब हम राज जी की आवाज़ सुनने के लिए बैठें तो उस समय सारे लौकिक संबंधों के बोझ को छोड़ दें, ये शिक्षा हमें इस प्रकरण से प्राप्त होती है। अब आगे कह रहे हैं कि श्री रा हाँ, चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास। अब गोवर्धन जी के धामगमन के पश्चात की अभी तक है कि प्रतिदिन वो चर्चा सुनते हैं, विचार करते हैं, और मन में उनके बहुत उल्लास है कि मुझे राज्य को पाना है, पाना है, पाना है, बस वही तड़प है उनके मन में। और प्रतिदिन जब चर्चा सुनते हैं आनंद में डूबते भी, लेकिन एक दिन उनके मन में इसी क्रम में विचार आया कि जैसे दूसरी ब्रह्म सृष्टियाँ आई है इस जागने के ब्रह्मांड में, हमें भी किसने भेजा है, राज जी ने। अब देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी हैं, वैसे तो राज जी भी हैं लेकिन पूर्ण पहचान अभी नहीं हुई थी, इसलिए अब मिहिर राज जी सोच रहे हैं कि हमें भी राज जी ने भेजा है, उनको भी राज जी ने भेजा है, लेकिन राज जी के सामने हमारी कुछ नहीं चलती। मतलब देवचंद्र जी परमधाम देख करके वर्णन करते हैं और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि जरूर हमारे अंदर ही कमी होगी, तो उन्होंने अपने अंदर की कमी को खोजना शुरू किया। किसी भी व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है तो इस प्रसंग से शिक्षा ले सकता है वो, कि हमें प्रतिदिन अपना ही बेहतर रूप बनना होता है। इसके लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है कि हमें हमारे अंदर क्या कमी है। अब लेकिन इसके लिए ऐसा भी नहीं कि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाएं और सिर्फ कमियों का ही चिंतन करने लग जाएं, क्योंकि केवल कमी का चिंतन करेंगे तब भी क्या होगा, कमी का मतलब कि नेगेटिव, अच्छाई मतलब पॉजिटिव। आप नकारात्मकता का चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा, वो नकारात्मकता ही बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे सरल मार्ग ये है कि आप सकारात्मक दिशा में अपने आप बढ़ जाइए, नेगेटिविटी अपने आप ही चली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हॉल में रात के समय में अंधेरा हो, नकारात्मकता, आपको क्या करने की ज़रूरत है अंधेरे को भगाने के लिए, धक्का लगा के अंधेरा भगाना चाहिए, नहीं भगा सकते। आप चाहें कि हम वाइपर मार करके अंधेरा बाहर निकाले, नहीं कर सकते, झाड़ू लगा के नहीं कर सकते। आप चाहें कि हम वैक्यूम क्लीनर से अंधेरा बाहर निकाले, नहीं कर सकते। क्या करना है, लाइट जलाना है। अच्छा, लाइट जलाने के बाद और क्या क्या करना पड़ता है अंधेरा भगाने के लिए, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से राज्जी जो है वो प्रकाश है, माया है अंधेरा। राज्जी की तरफ लग जाएंगे तो माया अपने आप ही छूट जाएगी, क्योंकि क्या कहा है, तुम आए सब आइयां, राज्य आएंगे तो सब आ जाएगा, माया अपने आप ही चली जाएगी। क्या कहते हैं, माया गई पोताने घेर, माया अपने घर चली जाएगी। तो
अब मिहिरराज जी प्रतिदिन अपने अवगुणों को ढूंढते हैं और उससे दूर करने का प्रयास करते हैं। अब उनके अंदर अवगुण क्या है? कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको लगता कि कोई ना कोई कमी है। तो उन्होंने क्या किया कि देवचंद्र जी को पूछा कि सद्गुरु महाराज आप बताइए कि मेरे अंदर क्या अवगुण है। देवचंद्र जी ने कहा कि तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तू परम धाम की निर्मल आत्मा है, तू इंद्रावती है, तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। फिर मिहिरराज जी विचार करते हैं कि हाँ, अगर सद्गुरु महाराज कह रहे होंगे तो मुझे उनके कहे हुए पर ही चलना है। फिर क्या हुआ, दो चार दिन बीते, फिर उनके मन में लगने लगा कि नहीं, कमी ज़रूर है मुझ में। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके आहार कम करना शुरू किया, क्योंकि आहार से क्या होता है, वैसे तीन तरह का आहार होता है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी भोजन कैसा होता है, जैसे जिसका रस जल गया हो, जिसमें से बदबू आ रही हो, है ना, सड़ा हुआ हो। अब आपको लग रहा हो कौन खाता है, खाते हैं लोग, पीते हैं, ठीक है, गंध आ रही होती है, तो ये तमोगुणी भोजन हो गया, मांस मछली इत्यादि ये सब बदबूदार चीज़ें या बासी। इसी तरह से रजोगुणी भोजन कौन सा है, कटु अम्ल लवण अति उष्ण रूक्ष तीक्ष्ण विदाहिना आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोक भय प्रदा, कड़वा, बहुत ज़्यादा कड़वा हो, बहुत ज़्यादा खटाई हो जिसमें। अब खटाई में से आप आंवले की खटाई का प्रयोग कर सकते हैं, और जो ताज़ा नींबू है वो प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो रजोगुणी या तमोगुणी नहीं माने जाते हैं, ठीक है, औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा नमक पड़ा हुआ हो वो भी उचित नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी को आदत होती है बहुत गरम गरम खाने की या गरम गरम चाय वगैरह पीने की, तो वो भी गलत है। इतना हो कि जैसे गुनगुना पानी होता है ना, भोजन भी उतना ही गर्म होना चाहिए खाते हुए, उससे ज़्यादा गरम गरम खाएंगे तो रजोगुणी भोजन बन जाता है, और वो भी कुछ विशेष मात्रा तक, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा रूखा हो, रूखा मतलब जैसे कोई चीज़ हम भून करके खाते हैं ना, तो वो चीज़ रजोगुणी होती है, ठीक है। और जो चीज़ तीखी हो बहुत ज़्यादा, जिसको खा करके जलन हो, तो ये सारी चीज़ें आती है रजोगुणी में, ठीक है। इतनी चीज़ें रजोगुणी हो गई, तमोगुणी मैंने बता दिया। अब इनके अलावा जो कुछ भी बचा, जैसे मधुरता लिए हुए फल इत्यादि हैं, सब्जियां हैं, कंदमूल है, अनाज है, ये सारी चीज़ें आती है चावल है, दूध है और चीनी अथवा शक्कर, ये तीनों चीजें सात्विक है। लेकिन आपने तीन चार कटोरा खा लिया तो आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? तो लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो सात्विक भोजन भी तमोगुणी बन जाता है, ठीक है। तो लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब मिहिरराज जी ने सोचा कि मुझे भोजन पे नियंत्रण करना है, तो उन्होंने क्या किया, उतरता आहार घटाइया रह्या पैसे भर दोए बल घटा इंद्रियन को सूख चला आकार सोए। अब भोजन उन्होंने कम कर दिया, भोजन कम कर दिया तो शरीर भी सूख चला। अब शरीर सूखने पर क्या होता है, देखिए जैसे जैसे शरीर सूखेगा, कमज़ोर पड़ता जाएगा, इंद्रियों का बल घटता जाएगा, ठीक है। आपने महसूस किया होगा, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में कभी ना कभी ध्यान में बैठे हैं? मैं नियमित की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना शर्म के आप हाथ खड़ी कर सकते हैं। कभी ना कभी ध्यान में बैठे हैं ऐसे लोग कितने हैं? और जो नियमित ध्यान करते हैं वो कितने हैं? चलिए ठीक है, जो नियमित ध्यान करते हैं, आपने कभी महसूस किया कि जब हम बीमार होते हैं ना, जब हमारे शरीर में कमजोरी होती है, उस समय जब हम ध्यान में बैठते हैं ना तो बहुत अच्छे से मन लगता है, कभी महसूस किया हो तो। और जब शरीर में ताकत होती है ना तब मन चंचल होता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। अब इंद्रियों में शक्ति है तो मन भी भागता रहता है, लेकिन जब शारीरिक रूप से हम कमज़ोर होते हैं तो मन हमारा स्थिर होता है। इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, भोजन खाइए, लेकिन हाँ संयमित होना चाहिए, सम्यक मार्ग होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने
ऐसी तपस्या की कि उन्होंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया था। कई कुछ महीने तक उन्होंने बिल्कुल भोजन करना बंद कर दिया। तो एक दिन क्या हो गया, जबरदस्ती ध्यान में बैठे थे, कमजोरी की वजह से बेहोश होकर के वो वहीं पर लुढ़क गए। फिर कोई महिला, कोई माता वहाँ पर गुजर रही थी, उन्होंने चावल के कुछ दाने उनके मुंह में डाल दिए। फिर उस कुछ समय के बाद में उनको होश आया, तो उन्होंने सुना कि कुछ महिलाएं ना गा रही हैं, कुछ आपस में गाते हुए जा रही हैं, और उसका भाव ये था कि वीणा के तार को इतने भी ज़ोर से मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि आवाज़ बेसुरी आने लग जाए, जैसे तबला है, ठीक है। इस तबले को अगर बहुत ज़्यादा कस दिया जाए तो जिस स्वर में बजना चाहिए उससे बहुत ऊपर का स्वर बजेगा, ठीक है, और अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो वो भी ढंग से नहीं बजेगा। इसी तरह से हम बिल्कुल खाना छोड़ देंगे तभी शरीर इतना शिथिल पड़ जाएगा कि कुछ समय के बाद में हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, और हम सिर्फ खाने पर ही ध्यान देंगे कि शरीर को हमें तगड़ा बनाना है तब भी हम ध्यान नहीं कर सकते। तो ऐसा मार्ग हो कि हमारा शरीर चलता रहे, शारीरिक रूप से हम श्रम भी कर पाएँ और बैठने भी लायक हो, तो ये सम्यक मार्ग होता है। लेकिन उस समय मिहिर राज जी को इस तरह से गाइडलाइंस देने वाला कोई नहीं था, तो मिहिर राज जी और देने वाला कोई नहीं था का मतलब वो अपनी मर्जी से कर रहे थे ना, तब उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, बीतक एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्या करना चाहिए जो उन्होंने किया और सकारात्मक फल मिला, और क्या नहीं करना चाहिए मतलब जो उन्होंने किया और निष्फल गया, तो वो दोनों चीज़ें हमें सीखनी है। तो मिहिर राज जी ने अब भोजन कम करना शुरू किया, और जब चर्चा सुनते हैं तो इस भाव में सुनते हैं, कैसे कहते हैं, नैनो नीर झरत है, नीर मतलब आँखों से पानी बहता है, आंसू, जब तक चर्चा सुनते हैं, और शरीर क्या हो रहा है, धीरे धीरे रंग जर्दी का आइया और न सूझे काम, जर्दी मतलब पीला रंग, शरीर उनका पीला पड़ गया क्योंकि अब खून बनने के लिए कुछ खा नहीं रहे, खून धीरे धीरे कम हो रहा है, रक्त और शरीर पीला पड़ रहा है। और फिर सोच रहे कि अभी भी अवगुण और है क्योंकि अभी भी राज जी के दर्शन नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या किया कि फूलबाई जी के पास जो भी आभूषण वगैरह थे सोने के, क्योंकि उन्होंने चर्चा में सुना था भागवत के प्रसंग का वर्णन, कि भागवत में प्रसंग आता है कि कलयुग का वास सोने में है, स्वर्ण में है। तो मिहिर राज जी ने सोचा कि ये भी सोना जो है वो कलयुग है, देवचंद्र जी के चरणों में आकर के उन्होंने समर्पित कर दिया। अब अपने आप को वो डांटते हैं, अपने मन को गाली देते हैं कि हे मन, तू ऐसा दुष्ट है, ऐसा चंडाल है कि तू माया के तरफ क्यों भागता रहता है। फिर अपनी परीक्षा भी लेते हैं कि हमारा मन मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, अब रास्ते में कोई मित्र मिल जाए तो उससे नज़र बचा करके मुंह फेर करके चल देते हैं, कि क्योंकि मित्र से अगर मिलूंगा तो बातें कौन सी होगी, माया की बात होगी, किसी की निंदा होगी, किसी की चुगली होगी, क्योंकि राज जी की तो बात होगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें शिक्षा मिल रही, किसी फकीर ने कहा कि अगर तुम अकेले हो तो खुदा से बात करो, और अगर तुम किसी के साथ हो तो खुदा की बात करो, ठीक है। अब आप घर परिवार में रह रहे हैं तो परिवार की बातें होना स्वाभाविक है, किसी की प्रोग्रेस की बात होना, बच्चों की पढ़ाई की बात पूछना, वो स्वाभाविक है। लेकिन उसके अलावा ये नहीं होना चाहिए कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, अधिक से अधिक हम राज्य की बात करें और ध्यान में बैठ करके हम राज्य से बात करें, ठीक है, राज्य की चर्चा सुने, राज्य की चर्चा करें, राज्य की जिक्र करें। तो इसीलिए मिहिर राज जी अब अपने दोस्तों से भी, अपने जो मित्र रहे होंगे बचपन के, उनसे नज़र बचा करके चलते हैं। अब शरीर इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि लगता है कि ये इनका तन भी छूट जाएगा। तो बालबाई जी आई देवचंद्र जी के पास, और बालबाई जी ने कहा कि मिहिर राज जी को देखो, उनका शरीर कैसा होता जा रहा है, कितना कमज़ोर होता जा रहा है। एक भाई तो पहले ही जा चुका है, गोवर्धन जी की का धामगमन पहले ही हो चुका है, तो आप ये ध्यान क्यों नहीं देते। फिर देवचंद्र जी ने मिहिर राज जी को बुला करके पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या है ऐसा। मिहिर राज जी ने कहा कि आप मेरे अवगुण मुझे बता करके दीजिए,
तो देवचंद्र जी ने कहा कि आपने मेरी क्या पहचान की है, अगर तुमने मेरे स्वरूप की पहचान की होती तो तुम कभी भी मुझसे अलग होते ही नहीं और कभी इस तरह का भाव आता ही नहीं। बालबाई जी ने भी पूछ लिया कि तब बालबाई ने कहा, क्या पहचान धनी धाम, जो ये बात लौकिक है तीन से होवे पूरे मनोरथ काम, कि तुम्हारी जो मन की इच्छा पूरी हो जाए ऐसी कोई लौकिक कामना नहीं है कि मांगा और पूरा हो गया। अगर तुम्हें इनके स्वरूप की पहचान होती तो तुम हमेशा इनके पास ही रहते, हमेशा इनकी परिक्रमा करते रहते, और तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। ये तो राज्य का हुक्म है कि अभी वर्तमान में ये हुक्म की शक्ति एक ही तन से लीला कर सकती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसा मैं कर पा रहा हूँ वैसा तुम भी करो, तो उसके लिए क्या करना होगा? कहते हैं, यह वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो, पर न होवे कहूँ और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि मुझे उठा करके तुम्हें बैठना पड़ेगा। मतलब भाव इसका कि मेरा तन छूटेगा तभी तुम्हारे तन से ये सेवा हो सकती है, ये कार्य हो सकता है। अब जब ऐसा सुना तो मिहिराज जी सोचने लगे कि मैं तो इतना अनिष्ट चिंतन कर रहा था कि मैं जो कर रहा था इसका परिणाम ऐसा होने वाला था। तो मिहिराज जी ने वहाँ से अब वो थोड़े संभले। फिर बालबाई जी को लगा कि पहले भी एक दो बार समझा चुके हैं, क्या पता वो फिर से दो चार दिन में वैसे बन जाए। तो बालबाई जी ने देवचंद्र जी को कहा कि इनको माया का काम दीजिए, माया का कोई काम दीजिए जिसके कारण वो थोड़ा सा मन उनका लगे। अब ये प्रसंग कई बार सुंदर साथ को लगता होगा कि राज्जी तो माया से निकालने वाले हैं, मिहिर राज्जी को माया में क्यों डाल रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर बहुत सारे विकार हो सकते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार हैं। और ये विकार किसके हैं? माया जनित। ठीक है, अब आपको मैं पूछूं कि ये विकार अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा इन विकारों को कि ये विकार अच्छे हैं? कहेगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं ये विकार बहुत अच्छे हैं, आपको लगने लगेगा कि या तो ये पागल हुए हैं या तो हमें समझ में नहीं आ रही है। ये विकार अच्छे कैसे हैं मैं आपको बताऊं। काम मतलब चाहना, इच्छा। हमारे मन में राज्य को पाने की कामना हो तो ये विकार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। क्रोध, गुस्सा। ठीक है, हमें इस बात पर क्रोध आ रहा है कि हम चितवनी के लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम इस वजह से अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो क्रोध अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। लोभ, लालच। हमें इस बात की तृष्णा है, हमें इस बात का लोभ है कि कल तो 1.5 घंटे ही चर्चा सुन पाए थे, आज राज्य की बात कुछ ज़्यादा हो तो अच्छा है। हम 1 घंटे ही चितवनी में बैठ पा रहे हैं, थोड़ा और बैठ पाते तो अच्छा होता। तो ये लोभ अच्छा है कि बुरा है? मोह मतलब लगाव। ठीक है, अच्छा, मोह और प्रेम के विषय में थोड़ी सुंदर सात को कम समझ में आती है। देखिए, संसार से अगर प्रेम हो तो वो मोह है, और राज्य से अगर मोह हो तो वो प्रेम है। फर्क कुछ नहीं है, संसार से होने वाला प्रेम मोह है और राज्य से होने वाला मोह प्रेम है। तो इस हिसाब से मोह अगर राज्य से हो रहा है तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, अहंकार की बात कर रहे हैं। हमें अहंकार होता है कि हम दुनिया में लखपति हैं, करोड़पति हैं, हमारा रूप ऐसा है, हमारे पास इतना ज्ञान है। लेकिन ये अहंकार तो बुरा है, लेकिन हमें इस बात का अहम हो कि हम उस अक्षरातीत की अर्धांगिनी है जिसके सत अंग अक्षर ब्रह्म के इच्छा मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। तो हम परमधाम की मैं ले रहे हैं, परमधाम की आत्मा का अहम ले रहे हैं। तो ये अहंकार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। इसका मतलब क्या हो गया? विकार कहाँ पर हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे एक डॉक्टर भी काटने का काम करता है, एक हत्यारा है वो भी काटने का काम करता है, लेकिन हत्यारा काट रहा है तो वो गलत है, डॉक्टर चीरफाड़ कर रहा है किसी की तो वो उपचार के लिए कर रहा है। इसी तरह से माया जो यहाँ पर
मिहिरराज जी को माया में डालने की बात हो रही है, ये वैसे ही है। एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आपने सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस मतलब श्री विवेकानंद जी के वो गुरु थे। उनकी आदत क्या थी कि वो रसोई में जाते थे, घुस जाते थे अपने आप ही, और जा कर के बोलते थे कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। हर दिन मतलब अलग अलग उनकी डिमांड होती थी, और था उनका, उनकी पहचान किस रूप में थी, परमहंस के रूप में। अब आप तो जज करेंगे, आपके सामने अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो आप जज करेंगे कि कोई परमहंस है और खाने की लालच है उसको, करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये होगा कि ये कैसे परमहंस के परमहंस हैं कि इनके अंदर से खाने की लालच नहीं छूट रही है। तो किसी ने एक दिन टोक दिया, जो रसोई में भोजन बनाने की सेवा कर रहे थे, उन्होंने टोक दिया कि आप तो परमहंस हैं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या बन रहा है, आपके सामने तो जैसा आ जाए आपको वैसा खा लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, क्योंकि उस तन से कोई कार्य हो रहा था ना समाज में, उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जीवित रहने के लिए इस संसार में कोई कारण नहीं है। क्योंकि किसका मोह था कि जीवित रहते। अगर आप पूरी तरह से अनासक्त हो जाएंगे तो आपको जीवित रहने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि जीव जिंदा रहना कब चाहता है। मरते समय व्यक्ति को तकलीफ क्या होती पता है, कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये मतलब मेरे जाने के बाद ये लोग कैसे रहेंगे, ये तकलीफ होती है। किसी भी व्यक्ति को इस बात की तकलीफ नहीं होती कि वह जा रहा है, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ऐसे होती है कि उन लोगों का क्या होगा ऐसा, ठीक है। तो अब रामकृष्ण परमहंस जी को कोई किसी चीज़ से तो बंधन था ही नहीं। उन्होंने कहा कि यदि ये खाने की आसक्ति है वो भी मैं छोड़ दूँ तो मेरा शरीर अभी छूट जाएगा। तो वो जैसे माँ की भक्ति किया करते हैं ना, काली माँ की, तो वो कहते हैं कि माँ मुझसे कुछ काम करवाना चाहती है तभी मेरे अंदर ये चीज़ है। जिस दिन उन्होंने छुड़वाना होगा वो तुरंत छुड़वा देगी, और जिस दिन छूटेगी उस दिन मेरा शरीर भी नहीं रहेगा। तो हमें परमहंसों की लीलाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो अगर माया का भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण है। देवचंद्र जी, अब मिहिरराज जी से जो कार्य करवाना है उसका अभी उचित समय नहीं आया है, हमें थोड़ी पता है, वो तो राज जी को पता है ना। तो राज जी जो देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान है उन्हें पता है, तो उन्होंने क्या किया कि माया का काम दे देते हैं ऐसा। तो उन्होंने, लेकिन माया का काम भी बंधन में डालने वाला नहीं, सेवा से संबंधित ही काम दिया। और फिर कुछ किताब लाने के लिए उन्होंने गुजरात भेज दिया। गुजरात में ही तो थे ना, नौतनपुरी कहाँ आता है, गुजरात में। गुजरात से गुजरात कैसे भेजा, पहले के समय में अहमदाबाद को ही गुजरात कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ गुजरात का मतलब है अहमदाबाद। तो मिहिरराज जी को उन्होंने अहमदाबाद भेजा, और वहाँ गए तो जिन किताबों के विषय में कहा था गए लेकर के आ गए। ज़्यादा समय नहीं लगा, कुछ दिनों में वो आए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ दिन और इनको थोड़ा माया में लगाते हैं। अब क्योंकि मिहिरराज जी की परीक्षा भी लेनी है, पहचान भी करानी, तो बहुत सारे कारज कारण ऐसे बने। राज जी ने दिल में लिया और क्या कहा, विक्रम संवत अब 1703 का समय है, ठीक है। तो 1703 में देवचंद्र जी ने हुक्म दिया कि मिहिरराज आपको अरब जाना है, वहाँ पर जिन गांगजी भाई के घर में ये सब हो रहा था, जो बीतक हो रही थी, गांगजी भाई के एक भाई रहा करते थे पिछले 25 वर्षों से, कमाने के लिए गए थे। आज भी लोग जाते हैं ना गल्फ़ कंट्री में, जाते हैं अलग अलग देशों में जाते हैं काम के लिए, इसी तरह से खेता भाई वहाँ पर गए हुए थे। तो गांगजी भाई जी के मन में इच्छा थी कि खेता भाई जी की अगर जागनी हो जाती, वो सुंदर साथ में शामिल होते, तो उन्होंने जो धन कमाया है वो धन सुंदर साथ की सेवा में लगता। क्योंकि धन जो है, धन की तीन गति होती है, पता है आपको। धन की पहली गति है दान, उत्तम गति, ठीक है। अब लेकिन यहाँ दान का मतलब कई बार लोग गलत समझते हैं, और समझाने वाले भी गलत समझाते हैं, क्योंकि सही समझाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। दान का तात्पर्य यह है कि पात्रता को देख करके, कि ऐसा व्यक्ति जो वाकई में पात्र है और उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में,
समाज कल्याण के क्षेत्र में उस धन का खर्च करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करके दिया गया दान उत्तम होता है, ठीक है, जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अगर आजकल तो क्या होता है, मैंने देखा है समाज में, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं तथाकथित रूप से कि वो साधु हैं, समाज से दान लेते हैं किस नाम पर, पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि आप दान दे दो तो आपको पुण्य होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद में अब उस धन, क्योंकि अब टैक्स तो लगता है ना पैसे का, आपके अकाउंट में ज़्यादा टैक्स पैसा है तो अकाउंट में टैक्स ना लगे इसलिए वो ट्रस्ट गठित करते हैं। और उसके बाद में अपने जाने के बाद वो या तो अगर शादीशुदा होंगे तो अपने बच्चे को या फिर जो उनका नज़दीकी होगा परिवार में उसको उस धन का वारिस बना करके जाते हैं, जबकि वो धन कहाँ लगना चाहिए था, समाज के कल्याण में। तो ऐसे व्यक्ति को दान देना आवश्यक नहीं है। हाँ, जहाँ आपको पता है कि ये जो धन है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगेगा, समाज कल्याण के लिए लगेगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी शिक्षा का ढंग से प्रचार नहीं हुआ है, वहाँ लगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ हैं, भिक्षा मांग करके गुजारा करते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए लगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज में, साहित्य में धन लगे, तो वहाँ पर धन को लगाना चाहिए। अब यहाँ पर भी सुंदर साथ आते हैं ज्ञान चर्चा सुनने के लिए, तो जो सुंदर साथ आए उनकी सेवा हो सके इसके लिए चाहते हैं कि खेता भाई जी के पास जो धन है वो सुंदर साथ की सेवा में आए। तो धन की पहली गति है दान, दूसरी गति है उपभोग और तीसरी गति है विनाश। यदि आप धन का दान भी नहीं देते, यदि आप उसका प्रयोग भी नहीं करते, तो कुछ समय के बाद में वो धन नाश हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ऐसे चला जाता है कि आपको दुख होगा कि इससे अच्छा तो मैं प्रयोग कर लिया होता, ठीक है। तो धन की ये तीन गति है। अब खेता भाई जी को समझाने के लिए, प्रबोधित करने के लिए मिहिरराज जी जाते हैं फागुन के महीने में, फागुन मतलब मार्च का महीना, ठीक है, मार्च के महीने में, इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में आपने नोटिस किया होगा कि हवा बहुत तेज़ चलती है, और पहले के समय में इंजन वाले जहाज़ नहीं होते थे, ऐसे जहाज़ों में बैठ करके जाना होता था जो हवा की दबाव से जहाज़ को चलाते थे, एक वो पाल टांग लिया जाता था कपड़े वगैरह का, और जब हवा उस पर पड़ती थी तो उसके धक्के की वजह से नाव अथवा जहाज आगे बढ़ते थे। तो फागुन के महीने में मिहिरराज जी नाव में बैठे 40 दिन की यात्रा करके, 40 दिन की समुद्री यात्रा करके मिहिरराज जी पहुँचे अरब में, और वहाँ जा करके एक चिट्ठी दी जो गांगजी भाई के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि खेता भाई जी को पता तो चले ना आजकल के पासवर्ड की तरह कि सही व्यक्ति ने भेजा है, नहीं तो कोई भी किसी का भी नाम लेकर के आ सकता था, खेता भाई की संपत्ति ले सकता था, तो इसीलिए पहचान के लिए उन्होंने चिट्ठी दी। और अब खेता भाई खुश हो गए, लेकिन इस बात से खुश नहीं हुए कि अध्यात्म की चर्चा सुनने को मिल रही है, सिर्फ इस बात से कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए किसी व्यक्ति को भेजा है, मेरे गाँव से अथवा मेरे शहर से कोई व्यक्ति आया है, इस लौकिक भाव से वो खुश हुए। फिर मिहिरराज जी को उन्होंने कारखाना बखार का सारा काम सौंप दिया, मतलब गोदाम वगैरह का काम सौंप दिया, और अब वसूली का काम सौंपा, वसूली का काम मतलब जिनको जैसे पैसा वगैरह दिया होता था ना उनसे वापस लेने का ये सारा काम। अब मिहिरराज जी क्या करते हैं, दिन भर सहायता करते हैं, रात के समय में चर्चा सुनाते हैं और कहते हैं कि आप अब नौतनपुरी चलिए, माया बहुत जमा कर ली, दुनिया का धन बहुत जमा किया, अब आपको आत्मिक धन जमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि माया के धन को आप लेके नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि आप कमाना छोड़ दें, लेकिन लेकर के नहीं जा सकते, यहाँ जब तक हैं तब तक कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के समय में आपके साथ क्या जाता है। कहते हैं धनानी भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जनाः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवय कः। धन कहाँ पर रह जाता है, भूमि पर, जमीन पर। आपने जो पशुधन जमा किया वो कहाँ रह जाती हैं, गोष्ठ में, मतलब गौशाला में।
पत्नी भी कहाँ तक साथ दे सकती है, घर के दरवाजे तक ही। बेचारी पत्नी को तो शमशान घाट में जाने का भी अधिकार नहीं था पहले, आजकल तो चलो वो मॉडर्न जमाना है, लोग चले जाते हैं कि हम भी जा सकते हैं, वो कारण अलग था वैसे, लेकिन फिर भी। उसके बाद जो लोग आपको शमशान घाट तक छोड़ने के लिए जाते हैं, वे भी शमशान घाट तक ही साथ में जा सकते हैं। और आपका सबसे अपना कौन था? आपका शरीर, जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना समझते थे, वो शरीर भी कहाँ तक साथ में जाता है? चिता तक। चिता के बाद तो शरीर भी आपके साथ नहीं जाता, इसका मतलब आप कुछ और हैं। तो आपके साथ जो जाने वाली चीज़ है वो क्या है? जो आपने कर्म किए हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव के साथ जाने वाला है। तो मिहिरराज जी ने कहा कि आपने दुनिया का धन बहुत जमा किया, अब आप आत्मिक धन जमा कीजिए। और तारतम की बातें सुना रहे हैं, लेकिन अब उनकी अवस्था कैसे, जैसे एक चिकना घड़ा होता है ना, एक उल्टा घड़ा जिस पर ऊपर से तेल लगा दिया जाए और उसको भिगाने का प्रयास करें तो नहीं भीगेगा, पानी बाहर बाहर निकल जाएगा। वैसे ही खेता भाई भी बात सुनते हैं लेकिन उनके ऊपर से निकल जाती है। अब इस तरह से जब भी चर्चा सुने तो खेता भाई कहते हैं कि चर्चा के बीच में टोक देते हैं कि उससे इतना पैसा लेना था तुमने लिया, उसने पैसा वापस किया कि नहीं किया, पूरा दिया कि नहीं दिया, इस तरह से वो बात टोकते रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान केवल धन आर्जन में रहता है। तो ऐसा करते करते, खेता भाई को समझाने का प्रयास करते करते 4 वर्ष बीत जाते हैं। और इस बीच में क्या होता है, अचानक खेता भाई की मृत्यु हो जाती है। अब क्या हुआ, जैसे ही खेता भाई की मृत्यु हुई तो वहाँ एक हाकिम था, उसका नाम था शेख सालेह, मुस्लिम था, उसने जो गोदाम था खेता भाई का उस पर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया, मिहिरराज जी ने सोचा कि जिसके लिए आया था, कि ये धन अगर मिलता तो सुंदर सात की सेवा होती, तो ये तो लेके जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के इमाम के पास में, सुल्तान जो था, और इमाम का मतलब जैसे खलीफा शब्द सुना होगा आपने, कुछ समय पहले खलीफा आंदोलन भी चला था, आप इतिहास में पढ़ते होंगे। तो खलीफा का मतलब उस समय ये जो बरारब अरब कहा गया है ना, ये जो स्थान है वो है इराक का, ठीक है। तो इराक में जो बादशाह हुआ करता था उसको खलीफा कहते थे, और दुनिया में जितने भी मुसलमान होते थे उस समय के, वो सभी मुसलमान उस खलीफा के आदेश पर चलते थे। मतलब उसका आदेश सबसे बड़ा माना जाता था, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, मतलब ये कि सभी मुसलमानों का वो राजा था। तो मिहिरराज जी अब उस खलीफा के पास जाते हैं, लेकिन अब कोई किसी राजा से मिलना इतना आसान थोड़ी होता है। तो 2 महीने तक वो फरियाद करते रहते, विनती करते रहते हैं कि कोई मिलने दे, तो कोई मिलने नहीं देता। एक दिन निराश होकर के वो वापस लौट रहे होते हैं, एक जगह पर थक कर के बैठे होते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति, वैसे तो ये और कोई नहीं है, राजी के जोश ने ही उस व्यक्ति के रूप में दर्शन दिया और मिल कर के पूछा कि तुम परेशान दिख रहे हो, क्या कारण है? तो मिहिरराज जी को लगा कि इस विदेश में इतने अपनेपन से कोई पूछ रहा है, बता देता हूँ, बेचारे अकेले थे, परेशान थे, उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, सारा मामला बता दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिख करके दे करके कहा कि देखो, जुम्मे की नमाज के दिन, जुम्मा मतलब शुक्रवार, शुक्रवार की नमाज को मुसलमान बहुत वरीयता देते हैं, प्रमुख मानते हैं। तो कहा कि जुम्मे की नमाज के दिन जब बादशाह, जो खलीफा है, वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा होगा, तो तुम जा कर के उसका दामन झटक करके ये चिट्ठी उसको पकड़ाना और कहना कि अब तक ये जिम्मेदारी मेरे गले में थी, अब मैं तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ, और अगर तुमने अभी मेरा न्याय नहीं किया तो मैं कयामत के दिन तुमसे न्याय मांगूंगा, बस इतना कह देना। तो मिहिरराज जी ने कहा चलो एक बार और प्रयास करके देखते हैं। तो जिस दिन जुम्मा का समय था, नमाज पढ़ने के लिए सुल्तान जा रहा था, अब
मिहिराज जी मौका देख रहे थे, भीड़ में से दौड़ करके गए और उन्होंने जो कुर्ता होता है, कुर्ता का दामन मतलब पल्ला जो होता है वो पकड़ करके झटक दिया। अब उस समय आजकल की तरह बटन बटन का सिस्टम नहीं होता था, तो वो बांधने का सिस्टम होता था। आज भी आप काठियावाड़ की तरफ जाते हैं, गुजरात में राजकोट की तरफ जाते हैं काठियावाड़ के क्षेत्र में, तो वहाँ पर जैसे वो चौबंदी नहीं होती है तो उस तरह से बांधा जाता था। तो ऐसे ऐसा जो कुर्ते का दामन था वो टूट गया, कस टूट गए उसके। तो अब तुरंत, क्योंकि ये तो अचानक में हो गया, आनन फानन में हो गया, अब ये तो बादशाह था ना, इसके साथ में सैनिक थे, सैनिकों ने तुरंत तलवार निकाल ली कि मतलब बादशाह के ऊपर संकट है, लेकिन बादशाह ने तुरंत रोक दिया कि रुको। तो उस बादशाह ने कहा कि ला तखौफ या बनी, अपनी भाषा में ला मतलब नहीं, खौफ मतलब डरना, बनी मतलब बेटा, कहते हैं हे बेटे तुम डरो मत, और कह रहे हैं कहो सब तेरी बात, क्यों ऐसा किया तुमने सारी बात बताओ। तब मिहिरराज जी ने चिट्ठी दी और चिट्ठी दे करके कहा कि मेरे जिम्मे जो कुछ भी था अब मैंने आपके जिम्मे कर दिया, अगर आपने अभी मेरा हिसाब नहीं किया तो उस दिन करूँगा, कयामत के दिन, न्याय के दिन। तो अब उस सुल्तान ने सोचा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि हिंदू होकर के, क्योंकि वो तो वेशभूषा से पता चल ही रहा था, तो उनको लगा कि एक हिंदू होकर के कयामत का वास्ता दे रहा है मुझे, तो कयामत के वास्ते को तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। लेकिन तब वो नमाज के लिए जा रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कल बुलाऊँगा, आज तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। तो अब अगले दिन, अब बादशाह सुबह सुबह सोचा कि मैं नाम तो पूछना भूल गया, पता पूछना भूल गया, कहाँ रह रहे पता नहीं, लेकिन हाँ मिहिरराज जी उसी नगर में उसी शहर में ठहरे हुए थे। तो उस बादशाह ने क्या किया कि अपने सैनिकों को भेज करके ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने बादशाह का दामन झटका था उसे बादशाह ने दरबार में पेश होने के लिए कहा है। अब जो सैनिक ढूंढते ढूंढते गए, ढिंढोरा पिटवाते हुए फरियाद करते हुए गए, अब उनको पता नहीं होगा कि मामला क्या है, वो साथ में नहीं होंगे, उनको लगा कि बादशाह तो सजा देने के लिए बुला रहे हैं। तो मिहिरराज जी जब सामने आए तो मिहिरराज जी को वो एक गुनहगार की तरह पकड़ करके लेके गए, लेकिन जब दरबार में पहुँचे तो पता चला कि ये तो कुछ कारण और ही था। तो श्री जी मिहिरराज जी जब पहुँचे वहाँ पर तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, शेख साले ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और वो इस तरह से खेता भाई की संपत्ति है और मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने पूछा पहले खलीफा ने कि ये बताओ कि तुमने कहा था कल कि 2 महीने तक मैं भटकता रहा, मिलने की कोशिश करता रहा लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया, तो वो कौन था जिससे तुमने कहा था और मिलने नहीं दिया। अब मिहिरराज जी ने सोचा कि अगर मैं सच बता दूंगा तो वो तो इस व्यक्ति को फांसी दे सकता है, तो मिहिरराज जी ने उनकी जान बचाने के लिए कहा कि नहीं, मैंने सोचा था कि मैं आपसे खुद मिल लूँ, व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही मिल लूँ। तो खलीफा सोचता है कि ये हिंदुस्तानी कितने अच्छे दिल के होते हैं कि जिसने 2 महीने तक उनको परेशान किया उनको भी बचाने की सोच रहे हैं। अगर कोई और होता उनके जगह पर तो वो तो खुश होते कि चलो सजा मिल गई, भाई ये था, लेकिन मिहिरराज जी ने उनको बचाया तो वो और खुश हुआ। फिर बादशाह ने एक चिट्ठी लिख करके दी और अपने सैनिक को साथ में भिजवाया और उस चिट्ठी में लिखा कि शेख साले अगर तुमने इस चिट्ठी को पढ़ते ही मिहिरराज जी की संपत्ति को वापस नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे ख़ानदान को जड़ मूल सहित नष्ट कर दूंगा, ऐसी धमकी भरी चिट्ठी लिख करके उन्होंने दी। अब उधर जब ये खेता भाई की मृत्यु हुई थी तब मिहिरराज जी नौतनपुरी में चिट्ठी एक लिख करके भेज चुके थे कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरी सहायता के लिए चाहिए कि कोई, तो देवचंद्र जी ने वहाँ से बिहारी जी और श्याम जी को भेजा। अब वो रास्ते में है, इधर क्या हुआ कि शेख साले के पास सैनिक पहुँचे, सैनिकों ने जो सैनिक थे उन्होंने चिट्ठी दिखाई, चिट्ठी देखते ही वो डर गया, डर के उसने तुरंत चाबी दे दी, गोदाम की चाबी दे दी, लेकिन अब उसके मन में खुन्नस थी तो उसने सोचा
ये जो संपत्ति है अगर मेरी नहीं हुई तो मैं इन इन लोगों की भी नहीं होने दूंगा, हमारे देश की संपत्ति मैं उधर भारत तो नहीं जाने दूंगा। तो उसने रात के समय में ही गोदाम में आग लगवा दिया। अब मिहिरराज जी जैसे तैसे वहाँ से जान बचाते हैं, पहाड़ी पर छिप करके उन्होंने रात गुजारी किसी टीले पर। अब क्या हुआ कि संपत्ति तो कुछ बची नहीं। हाँ, आग लगने पर कुछ कुछ जैसे मान लीजिए धातुएं कुछ जो कीमती होंगी सोना चांदी इत्यादि वो शायद बच गए होंगे, पिघल गए होंगे, और जो जिन लोगों ने उधार जो पैसा लिया हुआ था कुछ लोगों से लेना बाकी था, जो लेनदारी बाकी थी तो वो बाकी था, बाकी सारा जो धन था वो जल गया। अब कुछ दिनों के बाद में इधर पहुँचे बिहारी जी और श्याम जी। तब मिहिरराज जी ने क्या किया कि जितनी संपत्ति बची हुई थी थोड़ा बहुत था वो दे दिया, और फिर जो कुछ भी बही खाता था वो सामने रख दिया, ये हिसाब किताब है, उन्होंने पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दिया। लेकिन अब बिहारी जी और श्याम जी दोनों मित्र थे, और बचपन से ही मिहिरराज जी से दोनों चिढ़ते थे। और चिढ़ने के पीछे कारण क्या कि देवचंद्र जी के वो तो नस्ली पुत्र हैं, सगे बेटे हैं, लेकिन हमेशा जहाँ भी बात होती है तो मिहिरराज जी की होती है। सुंदर साथ प्रशंसा करते हैं तो मिहिरराज जी की करते हैं, देवचंद्र जी प्रशंसा करते हैं तो मिहिरराज जी की करते हैं, बार बार कहते भी होंगे इनको कि मिहिरराज जी से कुछ सीखो सीखो। तो अब इनके मन में पहले से ही मिहिरराज जी के प्रति ऐसी भावना थी ईर्ष्या वाली। तो उन्होंने क्या किया कि यदि ये धन जो है वो गया, नौतनपुरी पहुँचा, तो क्या होगा कि मिहिरराज जी की वाहवाही होगी कि 4 साल तक लगभग रहे और उनके कारण ये संपत्ति आई और सुंदर सात की सेवा हुई, इससे तो उनका नाम होगा, इससे अच्छा ये है कि हम इस धन को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो दूसरी वितकों में ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने क्या किया कि जो संपत्ति था उन्होंने नाव से ही समुन्द्र में फेंक दिया। सोचे कैसी बचकानी हरकत है, लेकिन जब व्यक्ति ईर्ष्या में अंधा हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या में जल रहा होता है और दूसरे को जलाने की सोचता है ना, सोचिए कि आपको अगर किसी दूसरे के ऊपर अंगारा फेंकना है तो आपके हाथ जलेंगे कि नहीं जलेंगे, ठीक है। और कोई व्यक्ति जिससे ईर्ष्या करता है तो सामने वाला व्यक्ति तो कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है। मान लीजिए कि किसी को किसी एक व्यक्ति से ईर्ष्या है तो वो क्या करेगा, उसको परेशान करने के लिए सोचेगा, अलग अलग उपाय रचेगा। तो कोई एक उसने षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र में वो व्यक्ति फंस भी गया मान लीजिए, तो जितनी देर के लिए फंसा उतनी देर के लिए वो व्यक्ति परेशान रहेगा और उससे निकल जाएगा कुछ समय के बाद में। लेकिन आप तो कब तक परेशान रहेंगे, षड्यंत्र रच रहे हैं तब भी परेशान हैं, जब षड्यंत्र मैं वो व्यक्ति फंस चुका है तब भी परेशान है कि कहीं पता तो नहीं चलेगा इससे, या कहीं बच तो नहीं जाएगा, और अगर बच गया तो फिर से अगले षड्यंत्र के लिए आप परेशान रहेंगे, तो आप जलते ही रहेंगे। तो जितने भी व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं किसी से भी, उनकी हालत ऐसी ही होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इन्होंने जो संपत्ति है वो पहुँचने नहीं दिया। अब ये दोनों पहुँचे, श्याम जी और बिहारी जी। इधर मिहिरराज जी ने क्या किया कि जितनी संपत्ति थी जो कुछ लेना बाकी था वो ले करके अब वो भी कुछ समय के बाद में वापस आए। इधर क्या हुआ कि मिहिरराज जी के आगमन की खबर अब पहुंच चुकी थी नौतनपुरी की, वह आ रहे हैं। तो बिहारी जी ने और श्याम जी ने सोचा कि अगर मिहिरराज जी आ गए तो क्या होगा, हमारा बंडाफोड़ हो जाएगा कि मिहिरराज जी ने संपत्ति तो दे करके भेजा था और मिहिरराज जी की बात पर तो सब लोग यकीन करेंगे क्योंकि सब लोग उनको मानते हैं। तो उन्होंने अपने तरफ से षड्यंत्र रचा। उनको पता नहीं है, एक कहावत है आप लोगों ने सुनी होगी, किसी शायर ने कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। अब उनको पता नहीं था कि हम षड्यंत्र कितना भी करें ये तो सामने आ ही जाना है, लेकिन अब भी प्रयास कर रहे हैं अंदर की वो जलन के कारण। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि मिहिरराज जी देवचंद्र जी के सामने आने ही नहीं चाहिए, तो अब देवचंद्र जी तो मानेंगे नहीं। उन्होंने अपने बुआ को
बाल भाई जी को उकसाया कि मिहिरा जी ने ऐसा किया वैसा किया, धन संपत्ति अपने घर में ले गए, उधर ही उधर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर बाल भाई जी का जो एक स्वाभाविक गुण था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है कि वो किसी भी चीज़ को सुनेंगी, किसी की अच्छाई को भी सुनेंगी तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगी, और किसी की बुराई भी सुनेंगी तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। तो अब बाल भाई जी ने इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचा ही नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अपना दिमाग उन्होंने लगाया ही नहीं और सीधे इस निर्णय पर पहुंची कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। और एक तो क्योंकि बिहारी जी के प्रति और श्याम जी के प्रति एक पारिवारिक संबंध भी है ना, लौकिक संबंध भी है, तो इस कारण वो लौकिक संबंध हावी हो गया अलौकिक संबंध के सामने। तो उन्होंने बाल भाई जी ने देवचंद्र जी को धमकी दी कि आप मिहिरराज जी से बात नहीं करेंगे, मिहिरराज का प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बीतक, लालदास जी की कृत बीतक के अलावा भी हमारे समाज में बहुत सारी बीतक हैं, तो उसमें इस प्रसंग में एक लल्लू भट्ट जी हुए, उन्होंने एक बीतक लिखी है, उसका नाम है वर्तमान दीपक। उसमें प्रसंग आता है कि बाल भाई जी ने ये कह करके धमकी दिया था कि जैसे गांगजी भाई जी के घर के पास में एक कुआं था, तो बाल भाई जी ने धमकी दी कि अगर आपने मिहिरराज जी का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। अब हठ होता है ना, कहते हैं चार प्रकार के लोग हठ करते हैं और इन चारों के हठ के सामने कोई भी झुक जाता है। एक है स्त्री हठ, जब स्त्री अगर जिद पे आ जाती है तो वो जिद करती ही रहती है तब तक जब तक कि उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती है, पहला। दूसरा है बाल हठ, बच्चा भी जिद करता है तब तक करता रहता है जब तक वो अपनी जिद पूरी नहीं कर लेता या फिर जब तक उसको इतनी मार नहीं पड़ जाती है कि उसको लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं तो वो पैर पटक पटक करके रो रो करके जिद करता है। इसी तरह से एक है योगी हठ, योगी भी ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो वो किसी भी तरह से करता है, वो तप के क्षेत्र में। और एक है राज हठ, राजा अगर चाहे कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है तो वो भी ज़िद्दी होता है, क्योंकि राजा सोचता है कि मुझे ना कहने की हिम्मत किसकी हुई। तो ये चार प्रकार के हठ होते हैं। अब यहाँ पर बाल भाई जी के हठ के सामने देवचंद्र जी को झुकना पड़ा और देवचंद्र जी ने अब मिहिरराज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया। उनके अंदर जो विराजमान राज जी हैं, कई बार लोगों को संशय होता हुआ कि राज जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मिहिरराज जी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या, एक पता है पुराने ज़माने में एक नीति चलती थी, वो कहते थे ना बेटी को डांट करके बहू को डराने की नीति, पता है, नई नवेली बहू आई हो तो बहू को कोई कैसे डांटे ना, तो बेटी को डांटा जाता था ताकि बहू को समझ में आए कि क्या करना है घर में क्या नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटी तो अपने घर की है और बहू अभी दूसरे के घर से आई है, तो बहू के अंदर भी वो अपनापन नहीं है अभी। हाँ, बेटी को डांटेंगे तो बाद में अकेले में समझा सकते हैं ना कि मैंने ना उसको समझाने के लिए डांटा था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा है, किसी और लड़के के साथ में लड़के आया है, झगड़ा करके आया है, तो आप नैतिक दृष्टिकोण से आप किसको डांटेंगे, अपने बेटे को डांटेंगे ना, भले ही सामने वाले की गलती ज़्यादा होगी लेकिन आप समाज के सामने अपने बेटे को ही डांटेंगे, क्योंकि आप दूसरे के बेटे को डांटेंगे तो आपके ऊपर पक्षपाती होने का ठप्पा लग जाएगा। तो एक कारण ये, दूसरा कारण ये क्योंकि बाल भाई जी धमकी दे चुके हैं कि जान दे दूंगी तो उनकी जान भी तो बचानी है। अब यहाँ बात सिर्फ न्याय और अन्याय की नहीं है, यहाँ बात नीति की है, क्योंकि अब इतना तो विश्वास है मिहिरराज जी के ऊपर कि अभी अगर हम कुछ भी करेंगे तो बाद में वो समझ सकते हैं, अभी के लिए तो इनकी जान बचना आवश्यक है, ये दूसरा कारण। और इससे भी महत्वपूर्ण कारण ये है कि मिहिरराज जी को अब मूल स्वरूप से भी तो जोड़ना है, मूल स्वरूप श्री राज जी से भी जोड़ना है, विरह दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है अभी। तो ये बहुत सारे कारज कारण बने, उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। तो अब कहते हैं कि जब मिहिरराज जी पहुँचे तो वो देवचंद्र जी लेटे हुए थे, चद्दर किया हुआ था चेहरे पर, वो चद्दर भी नहीं हटाए। अब काफ़ी समय तक वो खड़े रहे लेकिन मिहिरराज जी समझ गए कि कुछ दाल में काला है। अब वो वहाँ से लौटे, वहाँ से लौट करके अब ये हुआ संवत 1708 में, 1703 में गए थे इराक अरब,
5 साल के बाद में वापस आए। 4 साल में खेताबाई की मृत्यु हो गई, कुछ समय तक वहीं पर रह करके काम संभाला। 1708 में वापस आए। अब उसके बाद जब देवचंद्र जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो 4 साल से भी कुछ अधिक समय तक अब फिर से जुदागी हुई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 वर्ष तक की जुदाई रहती है। तो इन 9 वर्ष में 5 साल अरब में गुजर गए, 2 साल तक वो नौतनपुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी देवचंद्र जी से मिलने नहीं जाते। सोचते हैं कि वो बुलाएंगे तब जाऊंगा ऐसा, और देवचंद्र जी भी नहीं बुलाते। देवचंद्र जी को लगता है कि उनको आ जाना चाहिए। अब इसी संदर्भ में अब माया उधर जोर दिखा रही है। अब इस प्रसंग में इन 2 वर्षों में, क्योंकि वर्ष में अलग अलग ऋतुएं होती है ना, अभी जैसे वर्षा ऋतु है, ठीक है, उसके बाद में फिर ऋतु बदलेगी तो एक सुहावना मौसम आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में सर्दी आएगी, फिर उसके बाद में सर्दी कम होगी, सर्दी और गर्मी के बीच की ऋतु आएगी, है ना। कुल मिलाकर के वैसे तो 3 ऋतुएं होती है, लेकिन उसको बांट करके ऋतुएं 6 कर दी गई है, ठीक है। तो अब अलग अलग ऋतुओं में प्रसंग परिस्थिति के हिसाब से उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। कैसे? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बरसात पसंद है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बारिश पसंद नहीं है। कारण अलग अलग होता है। एक बहन है मेरी, उसको मैंने पूछा कि मुझे वर्षा अच्छी लगती है, तो मैंने पूछा कि बेटा तुझे वर्षा पसंद है, तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि बारिश पसंद ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को बारिश पसंद ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने जो कारण दिया, उस कारण को सुन करके मुझे ना उसके लिए हृदय में और भाव बढ़ा, क्योंकि उसने ऐसा कहा कि भैया दुनिया में कितने लोग होंगे जिनके पास घर नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सड़क में सोते होंगे, बहुत सारे लोग पुल के नीचे रहते होंगे, तो वर्षा के समय में उनका क्या होता होगा। हमें तो चलो आनंद आता है, हम तो नाच लेते हैं, हम कुछ होने पर छतरी ओढ़ लेते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जिनके पास घर नहीं है उनके साथ क्या होता है। इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है, ऐसा उसने कहा, कारण दिया। तो परिस्थिति के हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से ऋतुएँ भी वैसे ही होती है। तो यहाँ पर 2 वर्ष तक जब रहे तो अब मिहिरराज जी के मन में क्या आ रहा है, क्योंकि अगर जो प्रिय व्यक्ति साथ में हो तो कोई भी ऋतु हमें अच्छी लगती है। अपनी इच्छा पूरी हो रही तो कोई भी ऋतु अच्छी लगती है, और अपनी इच्छा पूरी ना हो तो कोई भी ऋतु हमें बुरी लगती है। एक गीत है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, उसमें ना एक लाइन आती है, ठीक है, गाना तो मुझे नहीं आता, खैर उसमें एक लाइन है, उसमें मतलब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के विषय में कहते हैं कि तेरे संग कीकर पीपल, ठीक है, और तेरे बिना सोना भी पीतल है। भाव क्या है कि जो प्रेमी है वो साथ में हो तो कीकर का जो पेड़ है कांटेदार होता है वो भी पीपल जैसा सुंदर लगने लगता है, और अगर साथ में ना हो तो सोना भी पीतल की तरह, मतलब उसका मूल्य ज़्यादा नहीं होता है तो ऐसा लगने लगता है। तो यही भाव मिहिरराज जी के अंदर भी है कि उनको लगता है कि देखो होली का समय है, होली के समय में सभी सुंदर साथ सद्गुरु महाराज को रंग लगाते होंगे, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मुझे तो बुलाया भी नहीं है। वर्षा के समय में प्रेमी प्रेमी का साथ में हो तो वर्षा का आनंद आता है, अगर ना हो तो प्रेमिका को या प्रेमी को दोनों को विरह में ऐसा लगने लगता है कि ये जो वर्षा हो रही है ये जल नहीं है, ये तो आग है जो जलाने वाली है। तो सारी चीज़ें इस तरह से विपरीत लगने लगती है। तो इसीलिए ऋतुओं के हिसाब से मिहिरराज जी ने विरह किया। वही प्रसंग आगे जब वाणी अवतरित होती है अफसा में तो खट ऋतु के अंदर सुंदर सात को शिखापन देने के लिए वर्णित किया गया है। और इसी बीच में अब 2 साल तक नौतनपुरी में रहते रहते एक दिन क्या हो गया, क्योंकि भैया भाभी के पास रह रहे थे तो भाभी ने ताना मार दिया। अब जिस भाई को मारने के लिए पहले दौड़े थे उसी भाई के घर में रह रहे हैं, तो भाभी ने ताना मारा कि जिस सद्गुरु के पीछे तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की आज वो तो तुम्हें पूछते भी नहीं है, और जिस भाई को मारना चाह रहे थे अगर ये मर गए होते तो तुम किसके यहाँ रहते, कहाँ गुजारा करते। तब भाभी की बात जो शब्द के बाण थे वो दिल में चुभ गए, तो वो वहाँ से भी निकल गए। फिर 2 वर्ष तक जा कर के उन्होंने कला जी के पास, वहाँ के जो राजा हैं उनके पास जा कर के नौकरी की, और उसके बाद
2 वर्ष के बाद 8 महीने और, मतलब 2 वर्ष 8 महीने तक वह वहाँ पर रहे। और उसके बाद अब धीरे धीरे देवचंद्र जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, शरीर की उम्र, अब वो तन भी छूटने वाला है क्योंकि एक प्रकृति की मर्यादा है और मिहिर राज जी के द्वारा आगे जागनी होनी है। लेकिन अब देवचंद्र जी के मन में है कि जिस हृदय में मुझे विराजमान है उसी दिल को दुखा करके तो मैं तन नहीं छोड़ सकता, तो उनकी इच्छा है कि धाम मेरा शरीर छूटने से पहले मिहिराज आ जाएं। तो देवचंद्र जी प्रयास करते हैं, बुलाने के लिए भेजते हैं, बिहारी जी को भी भेजते हैं, बालबाई जी को भी भेजते हैं। तो अब कैसे मिहिराज जी को बार बार बुलाया जाता है लेकिन पूरी सूचना नहीं दी जाती है, कैसे मिहिराज जी को जानकारी जब मिलती है पूरी तरह से तो देवचंद्र जी से मिलने आते हैं, फिर 22 दिन तक जब रहते हैं तो उस 22 दिन में क्या क्या लीला होती है, फिर देवचंद्र जी का धामगमन होता है, उसके बाद में गादी पर बिहारी जी को बैठाया जाता है। तो बिहारी जी गादीपति बनने के बाद सत्ता मिलने से पहले ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो सत्ता मिलने के बाद वो कैसा व्यवहार करते हैं वो सारी जो भी तक सुनेंगे हम कल। आज समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, बुलाए ल्याओ श्री महराज को, मेरे हजूर इस ठाम, मेरे हजूर इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।